खाने पीने के सिवाय तुझे और कुछ नहीं आता। मेरी बातों का तुझ पर कोई असर नहीं होता। तू बाहर जाकर क्या क्या गुल खिलाता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने सोचा था तू मेरा डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, लेकिन तू तो बाउंस होने वाला चेक साबित हुआ। ये मोहतरमा कार्तिक की माँ है, ICICI बैंक की मैनेजर। अपने बेटे को सुधारने के लिए ये दिन रात मेहनत करती है, लेकिन सब बेकार। अरे अरे अरे, शुरू कर दिया ना। अरे भगवान, उसे नाश्ता तो कर लेने दो। अभी कहाँ इतना बड़ा हो गया है वो, बेकार में टॉर्चर करती रहती है इसे। आपका लाडला बेटा जो है ना, उसके लिए झूला लाइए और झुलाइए। पता नहीं ये कब सुधरेगा, इसे तो आपने सर पे चढ़ा रखा है। कैसे बाप हैं आप? ये हैं कार्तिक के पिता, SBI बैंक में मैनेजर। कार्तिक इनका इकलौता बेटा है, इसलिए उसका सपोर्ट करते हैं और उसकी सारी मांगे पूरी करते हैं। क्यों भगवान, ये कोई मामूली माँ बाप की औलाद है क्या? शादी के 2 साल बाद मिला तोहफा है ये, और वो भी कहाँ? चेन्नई रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में। क्यों, मेरे पास नौकरी नहीं थी, तुम्हारे पास दौलत नहीं थी? शादी के बाद हम लोगों ने चेन्नई रेलवे स्टेशन पे दिन कैसे गुजारे थे याद है? रेलवे स्टेशन पे पैदा हुआ लड़का ट्रेन की तरह इधर उधर नहीं भागेगा तो क्या करेगा? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? जिम्मेदारी तो ये समझता नहीं है। इसे किस बात की कमी है बताइए? इसे अच्छी तरह से पढ़ाया, जितना मांगा उतना जेब खर्च भी दिया। अब जब मैं उसे नौकरी करने के लिए कह रही हूँ तो बताइए क्या गलत कह रही हूँ? अब ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसकी नौकरी के लिए मैंने वक्त निकाल कर अपनी क्लोज फ्रेंड से सिफारिश की। वहाँ इंटरव्यू में जाकर इसने क्या कहा पता है आपको? नाम कार्तिक, MBA फ्रेशर, फादर और मदर का रिकमेंडेशन। ये सब होते हुए भी मुझे कुछ सवाल तो करने ही पड़ेंगे। पूछो, क्या तुम्हें लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं? कुछ नामी ग्रामी औरतों के नाम लूंगी, शारदा देवी, फिल नाचियर, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा। इन सब में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? हिंदुस्तान में कितनी औरतें हैं बता सकते हो? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ पूछ रही हूँ और तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे, बस मुझे घूरे जा रहे हो। कुछ तो बोलो। इस किताब में जो भी लिखा है कोई भी सीख सकता है। अगर कोई कविता हो तो उसे पढ़ भी सकता है। लेकिन तुम्हारे सामने अगर ताजमहल आ जाए तो तुम क्या करोगी? देखूंगी। नहीं, देखती रह जाओगी। और वही तो मैं भी कर रहा हूं। तुम एक ताजमहल की तरह खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी तारीफ क्या करूं? निकल, निकल यहां से, और दोबारा इधर आना मत। निकल। She's too hot. फूटे नसीब मेरे, उस लड़की के सामने हमें मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा इसने। नवाबजादे की वजह से घर में कुछ न कुछ लफड़ा होता ही रहता है। अब जरा इसके दोस्तों से मिलिए। इतने बड़े खानदान का होने के बाद भी इसके दोस्त कैसे हैं? चाय वाला शेखर, ट्रैफिक हवलदार विष्णु, ऑटो वाला कुमार, हाय। इन तीनों को अपनी जिंदगी के बारे में कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अपने हीरो के बारे में ये लोग क्या कहते हैं जरा इन्हीं से सुन लीजिए। हाँ जी हाँ, बहुत प्यार से पला हुआ लड़का है वो। देख, लफड़ा हो जाएगा, हमारे लाख समझाने पर भी नहीं मानता वो। उसके पिता ने उसे सर पे चढ़ा रखा। अच्छा, मुझे पेन दिखाइए अंकल। हाँ, ये लो। सब दिखाइए ना अंकल। अरे, तुझे एक पेन चाहिए ना, सब दिखाने की क्या जरूरत है? मुझे एक ही पेन चाहिए, लेकिन वो सबसे अच्छा तो हो। तू ही लिख कर देख ले अच्छा कौन है। अरे, सबका इंक खत्म करेगा क्या? चलो कोई तो चुना। इतने में से यही एक बेस्ट है और मुझे बेस्ट ही चाहिए। सिर्फ पेन ही नहीं, यहाँ तक कि लड़कियों की भी वो चॉइस रखता है। उसकी पैंट, उसका शर्ट, उसके शूज, वॉच, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। यही कहते कहते आज तक उसे कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आई, जब वो 13 साल का था। बेटा कार्तिक, मैं मार्केट जा रही हूँ, घर पे कोई नहीं है, सुशीला अकेली है, वो पेट से है। हाँ, आप जाओ। अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो अपनी मम्मी से कहकर एम्बुलेंस के लिए फोन करवा देना, मैं आधे घंटे में लौट आऊंगी। आप बेफिक्र जाइए आंटी, मैं संभाल लूंगा। अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो अपनी मम्मी से कहकर एम्बुलेंस के लिए फोन करवा देना। चलो रे, चलो जल्दी करो, स्ट्रेचर निकालो। रुको। क्या हुआ? A Block 207 जाना है। हाँ तो? फोन मैंने ही किया था। तूने बुलाया था क्या? लेकिन यहाँ तो किसी प्रेग्नेंट लेडी को अस्पताल ले जाना है। बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रुको। कहाँ है वो? रुको, आप भी वेट करो। क्या वेट करूं? तुम भी डिलीवरी पेशेंट को लेने आए हो? हाँ यार, ऑफिस में फोन आया था। अरे, मुझे भी इस लड़के ने फोन किया था। ये क्या है, क्या कर रहा है? मम्मी, जरा वेट करो। अरे, एक और एम्बुलेंस तो सीधा चला आ रहा है। आप लोग भी डिलीवरी पेशेंट लेने आए? हाँ,
ये डिलीवरी पेशेंट है क्या? और इसके लिए तूने हम सबको यहाँ पे बुलाया? क्या रे, क्या तमाशा लगा रखा है? सुशीला आंटी माँ बनने वाली है, वो चार दिन में भी हो सकता है, पाँच दिन में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बेस्ट एम्बुलेंस किसका है इसका मैं टेस्ट ले रहा था, इसलिए मैंने फोन करके बुलाया। तुम तीनों में ये बेस्ट है। मेरे फोन करने के 10 मिनट बाद ही ये यहाँ पहुँच गए थे, तो जब भी तकलीफ शुरू होगी मैं तुम्हें ही फोन करूँगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। मेरा दोस्त बचपन से ही ऐसा है, मुझे ये बेस्ट चाहिए, वो बेस्ट चाहिए, ये बेस्ट चाहिए, वो बेस्ट चाहिए कहता रहता है। और आजकल पता है उसको क्या बेस्ट चाहिए? लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए 10 शर्ट भी खरीद सकता हूँ, लेकिन जीवन साथी को चुनने के लिए किसी एक को कैसे चुन सकता हूँ? क्योंकि मेरा जीवन साथी बिल्कुल मेरी पसंद की तरह बेस्ट होना चाहिए। अबे सिर्फ तू ही नहीं, हर लड़का सोचता है कि उसका जीवन साथी बेस्ट ही होना चाहिए। ऐसा सोचना गलत नहीं है मेरे यार, लेकिन तेरा चुनने का तरीका गलत है। यार तूने जिंदगी में न जाने कितनी लड़कियां देखी लेकिन तुझे कोई पसंद ही नहीं आई। यहाँ अपनी हाइट हैसियत के हिसाब से शरीफ लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी अगर तू इस संसार में अपनी पसंद की लड़की ढूंढने का इरादा बना ही चुका है तो इन दोनों को साथ में ले जा। हे, मैं शर्ट भी अपनी पसंद का पहनता हूँ, जूता भी अपने पसंद का खरीदता हूँ, फिर लड़की अपने पसंद की क्यों नहीं चुनूंगा? मैं 3 अलग अलग लड़कियों को पसंद करूंगा और उन तीनों को एक साथ प्यार करूंगा। उन तीनों में से जो मुझे बेस्ट लगेगी उसी से मैं शादी कर लूंगा। ऑप्शन के बिना बेस्ट कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं जो सोच रहा हूँ इसमें कुछ गलत नहीं है। 3 लड़कियों को अपने जाल में फंसाएगा, 2 का दिल तोड़ेगा, 1 के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा, ये सब करना तुम्हें शोभा देता है क्या? मेरी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मुझे सब कुछ बेस्ट चाहिए। Let's go!
टाइम हो गया, जल्दी कर। अरे रुक जा यार, दूध तो उबल जाने दे। चल यार चलते हैं। अबे यार कौन है वो? फिर शुरू हो गए नौटंकी। अचानक बस आ गई, चल। ए, तू जाना है। जाएगा क्या? ए, ए, घूर क्या रही है? गुस्सा आ रहा है क्या? चल अब बस में आ जा। सॉरी सिस्टर, गलती से हाथ लग गया। गलती से लग गया? मेरे सामने आते ही तू मेरा भाई बन गया? बस स्टॉप पर कोई भी लड़की खड़ी होगी तो तुम उसके साथ जो मर्जी आए करोगे। नहीं मैडम। अगर तू मर्द का बच्चा है तो मुझे फिर से हाथ लगा, हाथ लगा। नहीं मैडम। ए, चल मुझे हाथ लगा, मुझे अभी हाथ लगा कर दिखा। सॉरी मैडम। किसी भी शरीफ लड़की को छेड़ने से पहले मेरा ये थप्पड़ जरूर याद कर लेना, समझ गए? लफंगे कहीं के। अभी क्या लड़की है यार? एक्सक्यूज मी, अपना सर थोड़ा नीचे कर सकते हैं क्या? ए, ये कोई सिनेमा घर है क्या जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं नहीं देखो क्या? सीडी में देख लेना। सीडी में? क्यों, बीएफ सीडी में देख सकता है तो शादी सीडी में क्यों नहीं देख सकता? मैं शादी नहीं देख रहा हूँ, लड़की लड़की देख रहा हूँ, लड़की। अरे तो अपने हाथों में भी नेल पॉलिश लगा लेना। ए, क्या हुआ? अभी यहाँ वैसे कोई नहीं है, कल मैंने एक लड़की दिखी यार। क्या लड़की थी, 50 की स्पीड में दौड़ रही थी यार, बस दौड़ती गई। मैं तो उसे चेस भी नहीं कर पाया यार। हे, बताना इसे, बता वरना फोड़ दूंगा। हे, ये शादी रोक दो, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं समझी जी, ऐसा मत कीजिए, कम से कम मेरी मुझे बात तो कुछ नहीं सुनना। बैंड बाजा बंद करो। 2 लाख रुपए अभी के अभी दोगे तो शादी होगी। ए, चलो ना। दामाद जी बैठे रहिए, सुनिए समझी जी, मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मेरी कुछ नहीं सुना, रुक जाइए प्लीज सर। एक्सक्यूज मी, ये तो सही बात है सर, 2 लाख रुपया देने का वादा किया है तो देना ही चाहिए, भले ही वो इस वक्त ना दे पा रहे हो, उन्हें थोड़ा वक्त दे दीजिए ना। दुल्हन की फ्रेंड हो क्या? हाँ सर। शादी में इनविटेशन मिला है ना, आई हो तो दावत खाओ और चुपचाप निकल जाओ, एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं, चलो जाओ। सर
तमीज से बात कीजिए। कैसी तमीज, काहे की तमीज? पैसे बिना ये शादी नहीं होगी। क्या कर लोगी तुम? पुलिस में कंप्लेन करूंगी, उसके बाद पता है क्या होगा? तुम मिलिट्री वाली है? मैं भी एक ऑफिसर हूँ, मुझे पुलिस की धमकी दे रही है। ए, फोन इधर ला। सर, एक मिनट, आपको सिर्फ पैसा चाहिए है ना? एक्सक्यूज मी, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है। दहेज के पैसे ना चुकाने की वजह से ये शादी नहीं हो पा रही है। ये शादी अच्छे से हो और कोई रुकावट ना आए, इसलिए मैं ये अंगूठी दे रही हूँ। आप लोग भी कुछ ना कुछ देकर मदद कीजिए। क्या लड़की है यार, कसम खा यार, इससे पहले किसी फिल्म में ऐसा सीन नहीं देखा तूने? सरोजा देवी की फिल्मों में कितनी बार ऐसा सीन आ चुका है, लड़की पसंद क्या आ गई, उसकी हर चीज तुझे सुपर लगने लगी। मुंह बंद करना। अबे मैं क्या दूं यार? पैंट की जेब में देख, 20 रुपए हैं। तुझे कैसे पता यार? उससे ही तो तूने उधार लिए थे यार। ए, तेरे पास कुछ हो तो दे यार। मेरे पास कहां यार, संडे है। ये ले मेरी तरफ से 100 रुपए, ऐसे मिलाकर 1000 रुपए हो गए, याद रखना। इसमें तो कुछ कम है। ए, अपने पैसे भी देने यार। ए, जितने जेब में थे वो सब मैंने दे दिए। ठीक से देखना, तेरे पास होंगे यार। अरे यार, मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। थैंक्स दोस्त। मना करने के लिए थैंक्स कह रहा है। ये पैसे पकड़। थैंक्स यार। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, अंगूठी नहीं, नहीं, साले। अरे, अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं यार, मेरे बाप की निशानी है। अरे कहाँ ले जा रहा है? अरे समझाना उसको, समझाना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 लाख से ज्यादा ही होंगे। ये देने से तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैसों के कारण ही तुम्हारे ससुराल वालों ने बीच में ही शादी रोक दी थी। क्या अब भी तुम उस घर की बहू बनना चाहोगी? मेरी अंगूठी वापस करो। तू ये शादी मत कर। मैं तुझसे ही नहीं, उन सभी लड़कियों से यही कहूंगी, जिंदगी में शादी करना जरूरी है। शादी वहीं करो जहां प्यार है। जिंदगी में पहले प्यार और फिर शादी। इस पैसे से तुम छोटा मोटा बिजनेस कर लेना, 2 या 3 साल में तुम कुछ कमा भी लोगी और मनपसंद जीवन साथी भी तुम्हें मिल जाएगा। क्या सोच रही हो? थैंक यू प्रिया। तेरे पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है और घड़ी भी नहीं है। पता है कोर्ट में तुझे कितना फाइन भरना पड़ेगा? सर ये 100 रुपए है, रख लो ना। ठीक है, 100 रुपए में मैं निपटा लूंगा। चल भाग भाग। अबे यार, बड़ी मुश्किल से 150 हाथ लगते हैं और तुम लोग करेक्ट टाइम पे पहुंच जाते हो। ये देख आज का कलेक्शन। इसे तू ही रख ले, 5000 रुपए। 5000? क्यों? तूने पैसे का नाम सुनते ही ये मगरमच्छ की तरह मुंह क्यों खोले? लगता है तुम लोगों को 5000 रुपए देने के लिए मुझे ट्रेन रोकनी पड़ेगी। दोस्त मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देना यार, तू किसी तरह 5000 रुपए का इंतजाम कर देना। तेरी प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूं? होम लाइसेंस लाना चाहता हूं ना, होम का आरसी बुक बनवाना चाहता हूं, इसकी बारात की तैयारी भी करनी है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं 5-550 से ऊपर नहीं कमा सकता, और ऊपर से आज संडे। मेरे केस के लिए 5000 वसूल ले। एक्सीडेंट करवाएगा क्या? क्या टाइमिंग है यार, बहुत सही, तू बहुत लकी है। तेरे लिए कितनी अच्छी कार आ रही है, तैयार हो जा। 5000 के लिए मुझे बलि का बकरा बनाओगे? तेरी जिंदगी 5000 के लायक भी नहीं है। मर गया। उठ जा, उठ जा, लगी तो नहीं। लाइसेंस प्लीज। गुड। आरसी बुक। वेरी गुड। इंश्योरेंस। बर्थ सर्टिफिकेट। व्हाट? उसके बिना लाइसेंस में बर्थ डेट सही है या गलत ये कैसे पता चलेगा? चलिए दिखाइए। वैसे मैडम आप जा कहाँ रही हैं? मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आपके पास तो कार है, आप कहीं भी जा सकती है। आज संडे है ना? सो नहीं, यू ही कहा,
आज संडे है। तुम्हें क्या चलेगा? अरे तुम कुछ भी दे दो चल जाएगा। अरे दांत अंदर करके जाना। अरे बाप रे क्या हुआ? अरे ये तो एक सेठ की गाड़ी है, वो इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है, मेरी नौकरी तो पड़ गई खतरे में। अरे देख क्या रहे हो, चलो उसको रोको, चलो चलो। अरे ये क्या मैडम, मैंने आपसे खाली खर्चा पानी मांगा था, पूरी गाड़ी देके जा रही है। दरअसल मेरे दोस्त की एक प्रॉब्लम थी, उसके लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने आपसे मांगे, और आप अपनी गाड़ी छोड़कर वहाँ से चली आई। ये लीजिए मैडम आपकी कार की चाबी। अरे अगर भीख ही मांगनी है तो रुमाल बिछाओ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ऐसे तो मार खाओगे तुम लोग। मुंह बंद रखो और यार लड़की है यार। यार कुमार, ये प्यार और फ्रेंडशिप में क्या फर्क होता है? प्यार आंटी के बनाए हुए वड़े की तरह होता है, कौवा आके कभी भी उठा के ले जा सकता है, लेकिन फ्रेंडशिप जो है आंटी की तरह होती है, जिसे कोई उठा के नहीं ले जा सकता। यार मैंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया है? आंटी को उठा कर लाएगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में वो तीन लड़कियां आ गई हैं यार, जिनसे मैं प्यार करूंगा। सुन भाई, प्यार सिर्फ तेरी तरफ से नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ से भी होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। यार तेरी बात वो समझ नहीं पाएगा, मैं समझाता हूँ। जैसे दो धागे जुड़कर गांठ बनती है, वैसे दो दिल जुड़कर प्यार बनता है। I mean love। ए, तू अपने ग्राहक को कटिंग चाय की परिभाषा बता रहा है क्या? अबे तू क्या बंदर की तरह हंस रहा है? तू मेरी बात सुन, चलो मान लेते हैं कि उस लड़की की पर्सनालिटी तेरे लव करने के मुताबिक है, लेकिन अगर वो किसी और से प्यार करती है तो तू क्या करेगा? तुझे भी तो चेंज होना पड़ेगा ना, एटलीस्ट तू उस लड़की को अच्छा लगे इतनी तो पर्सनालिटी तुझे बनानी पड़ेगी। मैं सही बोल रहा हूँ ना? तूने अपना मुंह देखा है? सूखे झाड़ पे लटकते हुए सड़े बैंगन की तरह तेरा अपना मुंह है, और ये पर्सनालिटी की बात कर रहा है। वो क्या है ना यार, काले लड़कों से लड़कियां प्यार नहीं करती हैं, बस यही बात है। काले लड़कों से लड़कियां प्यार नहीं करती, ऐसा तुम लोगों से किसने कहा? कैसी भी लड़की हो उसे पटाया जा सकता है, एक ही टेक्निक है, हर लड़की की कमजोरी जाननी चाहिए और फिर वैसा ही ट्रीट करो। देखो तुम लोग चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन ए तू अपने डिपार्टमेंट को फोन करके एक हफ्ते की छुट्टी ले ले, तू दुकान बंद कर दे और मैं अपनी ऑटो खड़ी कर देता हूँ, आओ चलो। लेकिन क्यों यार? अगले 24 घंटे के अंदर तुझे उन तीनों लड़कियों की डिटेल चाहिए, यही ना? अबे ये होगा क्या? अरे तो तुम्हारे ये तीन तीन जासूस दोस्त किस दिन काम आएंगे? जरूर होगा, तू जा खा पी के सो जा, चल जा, चल रे। अच्छा हे कुछ तो बताओ ना यार, तूने खाना खाया? तूने खाया क्या? हे क्या मजाक कर रहे हो? नहीं यार, वो लड़की जो बस के पीछे भागी थी उसका नाम ज्योति है। ज्योति? अच्छा नाम है, लेकिन मेरे हिसाब से वो तेरे लायक नहीं है यार। वो लड़की रानी नगर के हाउसिंग बोर्ड में रहती है, बड़ी फैमिली है, भाई का परिवार है। ये है वो है, ये सब क्या कहानी सुना रहा है यार, उनके राशन कार्ड में इसका नाम लिखवाना है क्या? सीधे सीधे मुद्दे पर आना। रुक यार, जिस तरह तू आजादी से जी रहा है उसी तरह वो भी आजादी से जी रही है। हाँ तो फिर यही कि वो तेरे लायक बिल्कुल नहीं है। वो अपने घर में अपने भाई से भी सीधे मुंह बात नहीं करती है यार। ए, उसके भाई से इसकी तुलना क्यों कर रहे हो? इसकी बात कुछ और है, दूध घी मक्खन मिठाइयाँ खा खा के देखो इसको कैसा तगड़ा सांड हो गया। अरे कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, उस लड़की को लड़कों से सख्त नफरत है। अरे छोड़ दे यार, कोई और देखते हैं, चल 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 चल। जो शादी में मिली थी वो लड़की? उसका नाम प्रिया है, 100% लव मैरिज करेगी ऐसी कसम खाई है उसने। मतलब वो प्यार पर विश्वास करती है? लेकिन उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है यार। क्यों? ठीक कह रहा हूँ यार, एक ही से प्यार करेगी, उसी के साथ जिएगी मरेगी। अरे ऐसी बातें किसी शरीफ लड़की को शोभा देती हैं क्या? पहले से अगर उसने किसी को दिल दे दिया हो तो। ए सुन यार, तू तीन लड़कियों से प्यार करना चाहता है, वो एक लड़के से प्यार करना चाहती है, इसलिए तू उसके रास्ते से हट जा। तू बता, बड़े घर की लड़की है, 500 करोड़ रुपए की इकलौती वारिस है। हम लोग चार चार वारिस बैठे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, तुम करोड़ों की इकलौती वारिस के पीछे पड़े हो। वो लड़की 3 साल पहले एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन अभी वो ऐसे लड़के की तलाश कर रही है जो उसे सच्चा प्यार करे, लेकिन उस लड़की से मिलना आसान नहीं है क्योंकि उसके घर के बाहर जबरदस्त सिक्योरिटी लगी रहती है, फिर तू उससे कैसे मिलेगा? और वो दिन रात क्लबों में रेस्टोरेंट में अपना वक्त गुजारती रहती है। अरे तू उसके लायक नहीं है यार, उसे भूल जाना। तुम लोग चाहते क्या? वो तीनों तेरे लायक नहीं है, तू उन तीनों को भूल जा। अपनी जिंदगी में मैंने अब तक जो भी चाहा उसे हासिल किया, जीतना मेरी आदत है, हारना मैंने कभी सीखा नहीं, और ये भी जीत गया तो बहुत बढ़िया होगा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। हाँ ज्योति रानी नगर से ठीक 7:30 बजे सर्विस बस से निकलती है। के नगर जिसे उतरना उतरो।
चलिए उठिए। अरे उठिए ना, अब बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी, आप बैठ जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं कोई बात नहीं है। नहीं आप बैठिए ना। नहीं आप बैठिए ना, कोई बात नहीं, बैठिए, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। क्या मुसीबत है, एक बार मेरे यहाँ बैठने से आपको क्या तकलीफ? पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। उस खाली लेडी सीट पर क्यों नहीं बैठी? मान लो तुम वहाँ बैठी होती और मैं तुम्हारे बाजू में आके बैठा तो तुम कहती ओह शर्म नहीं आती क्या? लड़कियों की सीट पर बैठने पर हंगामा कर देती, क्योंकि लड़के लोग तुम लोगों की नजर में फालतू है ना। तुम लोग कुछ भी करो तो सही है, हम लोग कुछ करें तो गलत है ना। हेलो बॉस, एक लड़की बगल में आकर बैठी तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। टिकट है तुम्हारे पास? नहीं, वो अभी लेने का है ना। पहले अपना टिकट लो, उसके बाद दूसरे लोगों को सपोर्ट करना, ठीक है? जिधर देखो लड़की लड़की लड़की, मुझे लड़की जात से ही नफरत है। लड़कियां अगर दुनिया में नहीं होती ना तो कितना अच्छा होता। कंडक्टर गाड़ी रुकवाओ, गाड़ी रुकवाओ। ये बताओ लेडीज स्पेशल बस की तरह कोई जेंट्स स्पेशल बस है क्या? नहीं। लड़कों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। जाओ 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 जाओ, बजा गया। अब वो मुझे देखेगी, देखना पलट के, पलट 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 पलटी। क्या बात करते, अरे टाइम हो गया। सुन यार, प्रिया एथिराज कॉलेज में पढ़ती है, ब्रेक के समय बगल वाले कॉफी शॉप में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी रहती है। Something wrong. One second. Excuse me. What is this? बैठिए, बैठिए ना। तुम जैसी खूबसूरत लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हो और मुझ जैसा बेवकूफ लड़का फोटो ले ले तो गुस्सा वाजिब है और आना भी चाहिए। लेकिन मैंने आपकी फोटो के लिए, पता है मेरे लिए कई जगह लड़कियां देखी गई हैं। मेरी माँ ने भी मुझे 50 लड़कियों की फोटो दिखाई है पर मुझे कोई पसंद नहीं आई। पर जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि तुम्हारी जैसी लड़की ही मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है। माँ को दिखाकर डिलीट कर दूंगा, सॉरी। यू कैरी ऑन, बाय। ये भी जाल में फंस गई, क्या बात है कार्तिक। ये तुम लोगों ने अपना क्या हाल बना रखा है? राजा, तुम लोगों ने बहुत खर्च करवाया यार, वो तेजू आएगी ये कंफर्म है। सोनी यार, अमीर घरों की लड़कियां अपने दांत साफ करना भले ही भूल सकती है लेकिन फ्रेंड के साथ क्लब जाना किसी तूफान में भी नहीं भूल सकती। तूने लड़कियों का इंतजाम किया था क्या? डांसर्स हैं, 4 आइटम है, बस आने वाली होंगी। वो देखो ऑटो में आ गई, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। बाप रे, टाइम हो गया जानकी, जल्दी जाके ग्राहक से रोकड़ा कैश ले ले। अबे ये किसको लेके आया? यहीं पर तुम्हारा वेट करता हूँ। क्या बे, यही है तेरी रिच गर्ल्स? नहीं यार, थोड़ा लोचा हो गया जरा। अरे देखा क्या कहा था तुझसे, यार रिच गर्ल्स लाया हूँ बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से। हमारे हिसाब से तो हमें क्या समझते रहे हैं? चल निकल इधर से, चल फुट इधर से। अरे हम इसे कैसे अंदर ले जाएं यार, अंदर वैसी रोशनी कम होती है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चल ना, ए छोड़, चल जाओ जाओ। Excuse me, आपकी टी शर्ट जरा लूज है। मुझे पता है, आप बता सकती हैं ऐसा क्यों? Oh my God, what's happening? Hey, क्या हुआ तुझे? किसने मारा तुझे? बोलना किसने मारा? सुनाई नहीं देता क्या? किसने मारा तुझे? बोल। ए बिडू, वो देख उसने मारा। तू यहीं रुक। अरे मेरे दोस्त को मार। चल। इसने तुझे क्यों मारा?
शराब पी रहा था। लाइट ऑफ हुआ तो देख नहीं पाया मैं। बाजू में लड़की बैठी थी, उस पे मेरा हाथ लग गया। बाद में मैंने उसे सॉरी भी बोला था। ए, छोड़ना यार, अगर तेरी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ेगा तो तू उसे छोड़ देगा? जान से मार दूंगा। मैं भी तेरी तरह कोई गर्लफ्रेंड लाता और उसे कोई छेड़ता तो मैं उसे जान से मार देता। और क्लब में नहीं, मंदिर में भी कोई उसे छेड़ेगा तो मैं वहां भी जान से मार दूंगा। एक हाथ में शराब और दूसरे में सिगरेट। चुप करना। ए सुनो, ऐसी जगह पे आओगी तो ऐसी हरकतें होंगी, और ऐसी हरकतें बुरी लगती हैं तो यहाँ पर आना भी मत। मारने वालों को भी तकलीफ होती है और मार खाने वालों को भी तकलीफ। बच गया इस बार, चल चलते हैं। चल चल, तो देखा कर। सारे यार। क्यों? हम आए थे किस काम के लिए और क्या हो गया, माफ कर दो यार। ए क्या यार, तू भी, तुम तीनों में से कोई भी नहीं समझता। तुम लोग मुझे बहुत प्यारे हो, मेरे पास पैसा भी है और ऐशो आराम भी, पर मुझे ऐसी ही लाइफस्टाइल पसंद है यार। मुझे चाय वाला, ऑटो वाला, वो कांस्टेबल, तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत खुश हूँ यार। अच्छा ये बता, तू इतनी गहरी सोच में क्यों डूबा है? नहीं, तेरी बातों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन अंदर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब। हे पागल, ये क्लब नहीं है तो क्या हुआ, अपना क्लब है ना। खेल कूद से तो फुर्सत है नहीं। नई ड्रेस नहीं देंगे तो इंटरव्यू नहीं जाऊंगा। पैसे बर्बाद करो, देखती हूँ आज क्या गुल खिलाता है। बाप और बेटा दोनों तो एक ही जैसे हैं। बाप शेर तो बेटा सवा शेर। तुम्हारी माँ का बड़बड़ कब बंद होगा? जब वो सो जाएंगी। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब बंद होगा। सही कह रहे हो पापा। आज भी तुम्हारे इंटरव्यू में लड़की रहेगी, उसे भी देख कर शेरो शायरी मत सुनाना, अपने अंदर ही रखना। आने के बाद चिट्ठी में लेकर मुझे देना, बाद में मैं तुम्हारी माँ को सुनाऊंगा। पापा मैं सोच लूंगा कि इंडिया में ताजमहल तो फिर तुम जरूर कामयाब होगे। लेकिन इंटरव्यू, अगर नई ड्रेस नहीं देंगे तो मैं इंटरव्यू नहीं जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। हाय, पहचाना मुझे? डिलीट किया कि नहीं? अभी तक माँ को दिखाई नहीं है। क्यों? छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर मैंने माँ को बता दिया और मेरी माँ ने तुम्हें पसंद कर लिया और वो जिद करने लगी तुमसे मिलने की और तुम्हें अपनी बहू बनाने की, तो फिर मैं क्या करूँगा? बस यही सोचकर उन्हें नहीं दिखाया। वैसे तुम शादी करोगी? लड़कियों से ऐसा मजाक करके चप्पल खाना है क्या? प्रिया, प्रिया! सुनो महाशय, मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। मेरा नाम कार्तिक है। तुम कार्तिक हो या गुंडा स्वामी, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक और नया प्रॉब्लम मत जोड़ो, ओके? जानता हूँ प्रिया, तुम किसी अच्छे आदमी से प्यार करके उसी से शादी करना चाहती हो, यही तुम्हारा सपना है, और तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिल नहीं रहा है, और तुम्हारी माँ किसी लड़के को देखकर तुम्हारी शादी कराना चाहती है। तुम सोच रही हो कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ, है ना? No way, तुम कितने चालाक हो ये तो बातों से ही पता चलता है। मेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूंगी, प्लीज मुझे टॉर्चर मत करो। ये क्या प्रॉब्लम लगा रखा है, ये प्रॉब्लम भी कोई प्रॉब्लम है क्या? जरा रुको, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। तुम अपनी मम्मी से कह दो कि तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल गया, वो बहुत खुश हो जाएंगी। फिर बोलना माँ एक ही रुकावट है, लड़का एक साल तक शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है, नौकरी लगती है वो शादी कर लेगा, 1 ईयर फ्री। तुम्हारा ये आइडिया अगर मैं घर जाके ट्राई करूँ तो क्या मम्मी मान जाएगी? वो पागल है क्या? अगर मैं अपनी माँ से कह भी दूँ कि मेरा प्यार मुझे मिल गया है, तो अगर उन्होंने कह दिया कि मुझे उससे मिलना है तो मैं किसे ले जाऊंगी? इफ यू डोंट माइंड, कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। आर यू सीरियस? अरे हाँ बाबा, तुम अपनी मम्मी से एक बार कह के तो देखो। अगर उन्होंने कहा कि बुला लो तो मैं आ जाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा, जो बात मैंने तुमसे कही वही बात मैं उनसे भी कहूंगा। तो अब तुम्हारे पास पूरे एक साल का वक्त है, मुझे पूरा विश्वास है तब तक तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। तब तुम अपनी मम्मी से कहना कि मम्मी वो लड़का तो मैंने सिर्फ तुमसे टाइम लेने के लिए कहा था, पर आज मैं इस लड़के से सचमुच प्यार करती हूँ। थैंक गॉड, आइडिया मेरा था और तुम भगवान को थैंक्स कह रही हो। थैंक्स कार्तिक कहो। हे कार्तिक, तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, सचमुच मैं मम्मी से यही कहूंगी। थैंक यू सो मच कार्तिक, बाय। अपना नंबर दिए बगैर जा रही है कार्तिक? हाँ क्या है? चलो प्यार के बारे में तो तुमने समझा दिया, लेकिन अपने प्यार से पहली बार कहाँ मिली पूछा तो क्या बताऊंगी? एक मिनट। हाँ बैठो। किस लिए? अरे बैठो ना। मैं बाइक पे नहीं बैठ सकती। क्यों? बाइक पे बैठी तो कोई पहचान वाला देख लेगा तो ना बाबा ना। ये बात है कार्तिक, हम जा कहाँ रहे हैं? रुको बताता हूँ। भैया लेफ्ट में रुकना। हाँ यहाँ यहाँ। क्या कर रहे हो कार्तिक? रुको बताता हूँ ना,
मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रुको ना प्रिया। हाँ? मैं बस अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अर्जेंट है, आ रहा हूँ। इंफोसिस बिल्डिंग के बाहर पिंक कलर की स्कर्ट पहने एक लड़की खड़ी है, वो ह्यूमन बॉम्ब है। कौन बोल रहे हैं? वो छोड़िए, आप अपना काम कीजिए। बाइक में बैठूंगी तो पहचान वाले देख लेंगे। अब तू देख, कहाँ है सर, कहाँ है बॉम्ब? यहाँ है, यहाँ है, या फिर यहाँ है, बताइए कहाँ है? कहाँ है बॉम्ब सर? यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन मिली। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक नॉर्मल पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? टॉर्चर कर रहे हैं आप लोग। जाइए जाइए जाइए। पुलिस वालों को और कुछ काम है नहीं। लो भैया, क्या हुआ प्रिया? पता नहीं अचानक क्या हो गया, मैं खुद नहीं जानती। एक मिनट के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। अगर तुम वक्त पर ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता करते। घबराओ मत, ये सब मैंने किया था। तुम ये बात अपनी मम्मी से कह देना। तुम उनसे ये कह देना कि तुम एक जगह पर रुकी थी और पुलिस वालों ने तुम्हें घेर लिया। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तुम्हें लगा जाने क्या होगा। अचानक एक लड़के ने आकर तुम्हें बचा लिया और वही है तुम्हारे सपनों का राजकुमार। तुम्हारी माँ भी बहुत खुश हो जाएंगी। चलता हूँ प्रिया। अरे मान गई यार, मेरी बात मान गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था। तू देख लेना, मेरी जिंदगी में वो सेट हो जाएगी। संभल जा, कहीं ओवर ना हो जाए। देख, वो सामने भी खड़ी है। ऑटो ज्योति, ए ऑटो रुक। मुझे लड़की जात से नफरत है। कहाँ जाना है मैडम? शिवाजी नगर। दुनिया में औरत ना होती तो कितना अच्छा होता। अरे क्या हुआ यार? अरे जरा सामने देखना, ट्रैफिक पुलिस है। स्टेपनी पर बैठा कर ले जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 100 की पत्ती देनी पड़ेगी या फिर लाइसेंस देना पड़ेगा, इसलिए तू जरा मैं बात करता हूँ। मैडम आप जरा एडजस्ट कर सकती हैं? हाँ मैंने बात कर ली है, पीछे बैठ जा। हाँ जा। अरे जाना यार। सुन, सिग्नल के उस पार मिलता हूँ, वहाँ तक पैदल ही जा रहा हूँ। लड़कियों के पास बैठना अच्छा नहीं लगता। हेलो, तुम्हारे दिल में आखिर है क्या? समझते क्या हो अपने आपको? मैंने ओके कह दिया था ना, फिर बैठते क्यों नहीं? पैदल जाने की क्या जरूरत है? या यार, ये क्यों मुझे टॉर्चर कर रही है? तू जान देना कि मुझे लड़कियों से कितनी नफरत है, उसके बाद भी ये मेरे पास बैठो कह रही है। अपनी भाषा में इसे समझाओ। अरे शांत हो जाना यार। मैडम इसकी बात का बुरा मत मानिए, ये ऐसा नहीं। शट अप, तुम अपने दोस्त को ही ले जाओ। मैडम मैंने इतनी मेहनत करके इसको ऑटो में बिठाया, तुम दोनों की सेटिंग भिड़ाने में लगा था और इतने में तुम्हारे पता नहीं क्या सीन निकल आए। तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? अबे यार तू नहीं समझेगा, तुम लोगों ने कहा था कि इस लड़की को लड़कों से नफरत है और इसलिए मैंने भी इसके साथ वही गेम खेला। मुझे लड़कियों से नफरत है, ये सिर्फ एक गेम है यार। ओ वो कहते हैं ना, माइनस इनटू माइनस प्लस। चल चल, एक काम कर, तू पीछे बैठ, मैं ऑटो चलाता हूँ। ये क्या साइकिल के जैसे चला रहा है? गियर बदलो, थोड़ी तेज चलाओ। हे कहीं वो सेठ ही तो हम लोगों को फॉलो नहीं कर रहा है? क्या बात कर रहा है, सेठ हमें फॉलो क्यों करेगा यार, सेठ की गाड़ी तो नहीं लगती। सुन दोस्त, सुबह उस गाड़ी से भिड़ा था ना, लगता है वही फॉलो कर रहा है। तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि वही फॉलो कर रहा है? इतने सालों का तजुर्बा है मेरा, पैसे वालों का कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि वही हमें फॉलो कर रहा है। अभी आप क्या करें?
पहले एक्सलेटर कम करके राइट में मोड़ो। चलो तेज चलाओ दोस्त, यू टर्न लो, यू टर्न। ए देख 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 आगे झाड़ और खंबा है, देख के चला यार। अरे क्या कर रहा है? मैं चीज कर रहा। अबे मरवाएगा क्या यार, संभाल के चला। अरे भिड़ेगा। ए मैं भी इस इलाके का हूँ। तो मैं क्या मलेशिया से आया हूँ? मेरे डायलॉग पे ध्यान मत दो, जरा उनकी हालत देखो। अबे कौन है? तेजू। अभी अभी तेजू है यार। ए उठा इसको, चल जल्दी उठा। अरे कुमार ये लड़की कोई रिलायंस है क्या? नहीं BSNL है। रिलेशन कहना नहीं आता है तो अंग्रेजी की माँ बहन क्यों कर रहा है? अच्छा दोस्त मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। हे चुप कर, होश आ रहा है। ये क्या यार, कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई ना? मुझसे पूछा? बताओ ना, मुझसे पूछा क्या? तुम बेहोश थी, कैसे पूछ सकता था? ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। एक्सीडेंट की जगह कुछ देर और रहती तो अपने आप होश आ जाता। इस तरफ भी मरीज, उस तरफ भी मरीज, जहाँ देखो मरीज। अब सोचती हो तो मुझे शीशी क्या कर रही है? सुन यार, एक तो तूने इसकी मदद की और ये तुझ पे ही चिल्ला रही है, कहीं ये पागल तो नहीं है? ए, चुप कर यार, ये रॉयल है। क्या रॉयल है, जरा उधर देख, गोविंदा के जैसी चड्डी पहनी हुई है उसने। फैशन है। हाँ, पैसे वाली लड़कियां कुछ भी पहने फैशन हो जाता है। ठीक है, तुम ऑटो को चेस क्यों कर रही थी? बस यूं ही चेस कर रही थी। कल तुम क्लब आए थे ना? हाँ मैं आया था, तुम नहीं आई थी क्या? बड़ा नौटंकीबाज है यार। आई थी। अच्छा वो तो ठीक है, पर तुम चेस क्यों कर रही थी? यूं ही क्लब में तुम अच्छी ड्रेस में थे और काफी हाई फाई लग रहे थे, लेकिन आज मैंने तुम्हें खाकी ड्रेस में ऑटो चलाते हुए देखा। ये क्या कॉन्ट्रास्ट है, वो क्या था और ये क्या है? आप गलत समझ रहे हैं, वो तो मैं। ये दोनों मैं ही हूँ। मतलब? संडे को कभी कभार दोस्तों के साथ मूड बनाने के लिए चला जाता हूँ। एक हमारे पड़ोस में भी है, लोकल बा। बिल्कुल, कल ऐसे ही मूड हो गया कि चलो देखते हैं कि अमीरों की लाइफस्टाइल होती कैसी है, तो यूं ही चला गया। दोस्तों ने जिद किया था जिया, इसे। जिया। उसके लिए ऑटो का आरसी बुक गिरवी रख दिया था। क्या? ऑटो की आरसी बुक को गिरवी रख दिया? क्लब में आने के लिए। ये किस लिए दे रही हो? इसमें मेरा फोन नंबर है, अमीरी तरीके से पीने का कभी मूड हुआ तो मुझे फोन कर लेना, कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं। मूड बनाने के लिए तो आपने कार्ड दे दिया, चखने के लिए और फ्रेंड्स के लिए अलग कार्ड देंगे। चुप कर, जया से। थैंक यू सो मच। तो हम चलें? हाँ चलते। माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया। सॉरी। क्यों? कल मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, पर मेरा मतलब वो नहीं था। पब में आने वाली हर लड़कियों को मैंने गलत समझ लिया था, बहुत कुछ कह दिया था मैंने। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुमने जो भी कहा वो सही था। यानी लड़के पियेंगे तो लड़कियों को भी पीना चाहिए? लड़कियों को तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। एक तरफ वो औरत है जो अपने पति को अपना भगवान मानती है और दूसरी तरफ वो औरत है जो शराब पीती है और अंग प्रदर्शन करती है। तू यहाँ क्या भाषण देने लगा? कंटिन्यू। औरतों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरा बस तो उस, क्या नाम है उसका? आर्यन नाम था उसका। वो आर्यन साला, तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की को बर्बाद कर रहा है। झांसी की रानी को देखो, इंदिरा गांधी को देखो, मदर टेरेसा को देखो, शारदा देवी को देखो, वो भी तो औरतें ही थी। औरत लोग का आदर करना चाहिए। पता है तुम्हारे सामने इतना भाषण क्यों दिया? इसके पीछे एक वजह है। जब लड़की और दोस्त की बात आती है तो मैं अपने दोस्त को ही चुनता हूँ। मैंने क्लब में उस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे फ्रेंड को मारा था। चलता हूँ। ए, चल। अब तू देखते जा, वो मुझे खुद फोन करेगी। तू अपने रिश्तेदारों तक का नाम नहीं जानता, फिर ये झांसी की रानी, ये मदर टेरेसा, ये सब कहाँ से सुना तूने? ये सब किसने सिखाया तुझे? अरे यार मैं इंटरव्यू में गया था ना, वहाँ उसने सिखा दिया। ए, तीन पहले सही, अब चौथी नहीं। चलना यार, चल बस कर। 5,000 के कपड़े मैंने दिलवाए थे, खाना खाने के लिए काम करना पड़ता है, वो ये नहीं जानता, इंटरव्यू में गया ही नहीं। आज के बाद मैं तुझसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। 6 फुट का गधा हो गया है। इंटरव्यू में क्यों नहीं गया तू? अरे छोड़ो पापा, आज तो मैंने 3 इंटरव्यू अटेंड किए हैं। 3 इंटरव्यू अटेंड करके आ रहा तू? क्या बात है, क्या बात है। मेरा बेटा 3 इंटरव्यू अटेंड करके आ रहा है, किसी एक में सेलेक्ट भी हुआ कि नहीं? उसमें से एक में तो हो ही जाऊंगा पापा। ये बहुत बड़ा राजा है ना सिलेक्ट होने के लिए। तेरी ये बातें मैं कब से सुनती आ रही हूँ।
फिर इंटोन मैंने तुझे बंद करने के लिए कहा था ना, ला फोन, ला फोन मेरे पास, मैंने कहा ला। कुछ प्रिया, कौन है ये प्रिया, कौन है ये प्रिया, बता कौन है। प्रिय दर्शन, अरे बता देना, प्रिय दर्शन को प्रिया नाम से सेव कर रखा है। क्या चाहिए तुझे, कौन है तू, बता ना कौन है। मैंने इसे इंटरव्यू के लिए भेजा था, तेरी वजह से बर्बाद हुआ। दोबारा यहाँ फोन मत करना। फोन दो, मेरी बीवी को टेंशन दिया तो ठीक नहीं होगा। ये अपना फोन पकड़ और अंदर जाके बात कर। जी पापा। और उससे बोल देना दोबारा फोन नहीं करे। पापा, थैंक्स। चलो जान बची। हंस चुकी क्या? अब बोलो फोन क्यों किया था? तुमने जैसे कहा था वैसे मैंने माँ से कह दिया। उन्होंने क्या कहा? वो तुमसे मिलना चाहती है। मिलना चाहती है? वो मुझसे कब मिलना चाहती है बताओ ना। हाफ एन आवर में आ सकती हूँ। हाफ एन आवर में आता हूँ ना। ओके बाय कार्तिक। हाय कार्तिक, आओ ना। क्या बात है, कोई टेंशन है क्या? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वो क्या है कि तुम्हारे घर में मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए माँ कहाँ है? जरा रुको, बुलाती हूँ। मेरा कीमती ड्रेस खराब कर दिया, देता हूँ खींच की बेवकूफ। देख क्या रहा है, दूं क्या? नाइस टॉक, आई नो। तुम वो माँ को बुलाने गई थी ना, क्या हुआ, वो आई नहीं? मम्मी घर पर नहीं है। क्या कहा? मैं अकेली हूँ। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कॉफी शॉप में तुमने मेरा फोटो निकाला, मैंने तुमसे उसे डिलीट करने के लिए कहा पर तुमने नहीं किया। उसी तरह दूसरे दिन मुझे आइडिया दिया मेरी माँ से एक साल की मोहलत लेने के लिए। अगर वो बात माँ को बताने के बाद वो तुमसे मिलना चाहेगी तो तुम आओगी या नहीं यही आजमाना चाहती थी, और तुम टेस्ट में पास हो गए। तुम जुबान के वैसे पक्के हो। क्या प्रिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, अब तुम जाओ। क्या बात है, अब जाओ ना। फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर पे आया हूँ, चाय कॉफी के लिए नहीं पूछोगी क्या? वो कब पूछना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दरवाजा उस तरफ है। ओके बाय। कार्तिक, मेरी इस तरह से मदद करने में तुम्हारा क्या फायदा है बताओ ना। हम एक घर किराए पर लेते हैं, जब वो घर हमें पसंद आ जाता है तो उसे खरीद कर अपना बना लेते हैं। उसी तरह इस वक्त तुम्हारे लिए किराए का सपना है, और जब ये सपना हकीकत में बदल जाएगा तब दोनों मिलकर एक अलग दुनिया बसा लेंगे। मेरे लिए रत्ती भर प्यार जगा, तो अपना हाथ बढ़ा लेना, मैं उसे थाम कर तुम्हें सदा के लिए अपना जीवन साथी बना लूंगा। कोई फिल्म देखकर आए हो क्या? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है, वरना यहाँ जब कोई नहीं है तो तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाती? हो सकता है तुम्हारी माँ मुझे रेस्टोरेंट में बुला ले, लेकिन घर पे बुलाने का मतलब कुछ तो जरूर होना चाहिए। डरो मत, प्यार का इजहार करने में तुम्हें डर लग रहा है ना, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, अब जाओ। प्रिया, 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 सुनो तो। जाओ। ओ हाय। नमस्ते। वेलकम। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पैसे वालों की तरह एक दिन पीने की तमन्ना करने वाले इंसान को क्यों ना एक दिन ही सही ऐशो आराम के साथ जीने दिया जाए, ऐसा मुझे लगा, इसीलिए मैंने ये कमरा बुक किया। डिप्लोमेटिक स्वीट। डिप्लोमेटिक स्वीट का मतलब? वैसे यहाँ पर आम लोग ठहर नहीं सकते, वीवीआईपी लोग ही यहाँ पर ठहरते हैं, और इस वक्त तुम यहाँ पर रहोगे। तो मैं भी वीआईपी हूँ क्या? ऑफ कोर्स। ये आप क्या कह रही हैं? जा देखो। अरे बाप रे, क्या बात है। क्या बात है। कार्तिक, अब खुश हो ना? खुश? मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हे भगवान, यहाँ सब कुछ आज तुम्हारा। Have fun. मैं तुम्हें कल लेने आऊंगी।
बाय बाय। मैं जानता हूँ 2.5 लाख से कम तो बिलाने वाला है नहीं, फिर मैं क्यों चुप रहूंगा। कार्तिक, तुम सच में खुश हो ना? सुबह से ऑटो निकालकर मीनाक्षी कॉलेज पेरिस गार्डन सी साइड घूमते रहता हूँ। मीटर से 10 रुपया ज्यादा मिला तो फिर कहीं भी जाने को तैयार रहता हूँ। मुझ मामूली इंसान को तुम यहाँ लाकर पूछ रहे हो कि तुम खुश हो कि नहीं, मेरे लिए तो ये स्वर्ग से कम नहीं है। अब देख मैंने तेरा कितना बिल बनाया है। देख देख जल्दी देख। 2,40,000 का बिल, फिर भी कोई फर्क नहीं, ये क्या है? सुनो, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? एक दिन का 2,40,000 का बिल आया है। अरे तुम चुप रहो। हाँ। कमरे का पर डे 70,000 प्लस सर्विस टैक्स। 70,000? सुनो, इतने पैसे में बहुत बड़ा बंगला महीने भर के लिए किराए पर हो सकता है। 70,000 चलो फिर भी ठीक है। तुम लोग अंधाधुंध लूट रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन ये वाइन, इसका तुमने 20,000 लगाया? सर, 20 बोतल वाइन का 20,000 रुपया। सुनो, वाइन शॉप में हाफ बोतल वाइन का 70 रुपया होता है। अरे तुम चुप रहो ना, ये हमें उल्लू बना रहा है। चुप रहो। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। दिस इज माइन। मेरे एरिया में आना, मैं बताता हूँ। गाड़ी साइड में लगा, मेरा घर यहीं है। ओके कार्तिक, तुम खुश हो जाओगे ये सोचकर मैंने तुम्हें वहां बुलाया। बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। तेजू, फोन पर तुमने बताया नहीं कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, और मैंने भी नहीं पूछा कि क्या काम है। तुम मुझे अपना 5 मिनट का वक्त दोगी क्या? ओके, वेरी गुड। संजू भैया, क्या है कार्तिक, अपनी साइकिल देंगे क्या? अरे ले जाना यार। साइकिल? आओ 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 आओ, बैठो बैठो, अच्छे से बैठना। अरे बैठो ना। दादी, 2 प्लेट इडली। कार्तिक, मैं ऐसी जगह नहीं खाती। चटनी थोड़ा ज्यादा डालना दोनों में। कार्तिक, ला 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 ला, थैंक यू। तुम भी लो ना। थैंक यू। आओ, मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। अब चलो खाओ, पहले खाओ तो। कैसा लगा? याओ। ये क्या है? टिश्यू पेपर। दादी, कितना हुआ? 45 रुपए बेटा। 45 रुपया? पैसा लाना मैं भूल गया। अरे कार्तिक, मैं देती हूँ ना। तुम जाओ बेटी, कार्तिक को यहाँ सब लोग जानते हैं। अरे पैसे तो ले लीजिए। तुम जाओ ना।
यही है मेरी लाइफस्टाइल। तुम्हें लगता है सब कुछ पैसे से खरीद सकते हैं? किस काम के लिए मांग रहे हो ये भी नहीं पूछा संजू भैया ने, और साइकिल दे दी। पास में पैसा भी नहीं था पर पेट भर के नाश्ता भी किया दादी माँ की गाड़ी पर। इसी तरह मेरे आसपास सभी बड़े अच्छे लोग हैं। शायद ये बात तुम नहीं समझ पाओगी, 2,40,000 रुपए खर्च करने लायक इंसान नहीं हूँ मैं। ऐसा हुई नहीं और ना ही बनना है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। बाय बाय तेजू, बाय। क्या चाल चलिए तूने कार्तिक। बहुत सही कार्तिक, बहुत बढ़िया दोस्त, तीनों कैरेक्टर मुझे सुपर मिले हैं, लाइफ सेट हो गई है। ये रात अरे रे, हाँ मैं जानती हूँ। अरे लेकिन आज मैं तुझे नहीं मिल सकती, ठीक है? ओके बाय। ये गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। यार ज्योति हमेशा मुझसे कहती थी कि लड़के पसंद नहीं, लड़के पसंद नहीं, तो फिर ये कौन है? प्यार होगा, चुपके चुपके लव लेटर लिखकर दोनों में प्यार हो गया होगा और क्या। क्यों प्यार है क्या? अबे तो इसका बॉडी गार्ड है क्या? अबे जवाब देना हीरो। अरे बोल ना, ये लड़के लोग पसंद नहीं है क्यों? हम लोग नहीं पसंद है क्या? बुरे हैं? अबे घूर क्या रहा है, हमको मारेगा क्या? सॉरी सॉरी, मैं इसे ले जाता हूँ। चलो। घर कहाँ है? बस थोड़ी ही दूर है। अकेले चली जाओगी? अगर वो लोग दोबारा आ गए तो? मेरा नाम ज्योति है। तुम्हें मैंने पहली बार सिटी बस में देखा था। तुम लड़कियों से नफरत करते हो, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। ओह, तुम्हें भी लड़कियों से नफरत है? छी छी, मुझे लड़कियों से नफरत नहीं लेकिन लड़कों से नफरत है। तुम लड़कियों से नफरत करते हो फिर भी आज तुमने एक लड़की की इज्जत बचाई, मुझे अच्छा लगा। तुमने कहा था कि लड़कियों से नफरत करते हो, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे लड़कों से नफरत है ये जानने के बावजूद भी तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया? आज से हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं? ओके कह दो ना, मैं तुम्हें अच्छे लगने लगूंगी। प्लीज। प्लीज कही यार। तुम लोगों ने कहा था ना कि नामुमकिन है, नामुमकिन है, मुमकिन कर दिया। मेरा हाथ पकड़कर बोली प्लीज दोस्ती कर लो। और क्या क्या कहा हाथ पकड़ के? उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा हम दोनों दोस्त बन जाएं क्या? मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी। एक्सक्यूज मी, इस तरह इतराना छोड़कर तू किस खुशी में पी रहा है ये हमें बताएगा क्या? प्यार की खुशी में। वो तीनों लड़कियां मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हैं। अब मुझे ये देखना है कि मैं उनमें से किससे शादी करूं। देख यार जल्दबाजी मत कर, कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर उठाना। कौन होगी यार? तू ही बता ना यार। रुक मैं बताता हूँ। हमने तीन अलग अलग लड़कियों का पता लगाया था, मेरी सिलेक्ट की हुई लड़की से ही ये शादी करेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मान लो अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या उसके लिए ब्रोकरी मांगेगा? यार तुम्हें उन लड़कियों में से कौन पसंद है? यार वो तेजू तुम्हें लायक है ही नहीं। उसके पास 500 करोड़ की दौलत है
जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ना, तुम सबको तो चाहिए ना। हाँ यार, तेरा वो चाय का स्टॉल है ना? हाँ यार। लेडीज कॉलेज के बगल में एक कॉफी शॉप खोल लेना। ओह क्या बात है, तेरे बड़े साहब से बात करके तेरा प्रमोशन करवा देंगे। अरे यार मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कांस्टेबल ही रहने दे। हाँ तू ऑटो चलाता है ना? पहले चलाया करता था, आजकल तेरे साथ लड़कियों के पीछे चक्कर काट रहा हूँ। तेरे लिए BMW कार दिला देंगे। हाँ, और उसमें टैक्सी का एक बड़ा सा बोर्ड लगा के रोड पे चला, पूरे इंडिया में BMW को टैक्सी बनाकर चलाने वाला तू पहला और आखिरी बंदा होगा। थैंक यू यार, थैंक यू। चोरों का सपना देखने लगे हैं अभी से, BMW कार आएगी, मेरी रिक्शा खड़ी है कभी से, कभी से, कभी से। ए भाई, पहले तो हमें सपना दिखाया तूने और अब रो रहा है? क्या है यार, एक ही लड़के से प्यार करूंगी और उसी के साथ शादी करूंगी, बस इसी जिद में अड़ी है वो प्रिया, अभी तक इसी सपने में जी रही है वो मुझे प्यार करने लगी है यार। नहीं यार, मेरे लिए प्रिया ही ठीक है, प्रिया ही मेरी होगी, प्रिया ही मुझे चाहिए। कॉफी शॉप टी स्टॉल बन गया। और फिर मेरी BMW का क्या होगा? ए BMW कार यार। यार मुझे वो चाहिए, अभी तूने ही तो कहा था मुझे लड़की नहीं चाहिए, उसकी दौलत चाहिए। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे प्रिया चाहिए, मुझे प्रिया चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यार ये तो सच में रो रहा है। अरे क्या हो गया इसको यार, चल के देखते हैं यार क्या हुआ। यार वो ज्योति हमेशा लड़कों से नफरत करती थी, मुझसे मिलने के बाद वो लड़कों को शरीफ समझने लगी है, लेकिन मैं एक फ्रॉड हूँ, जब उसे ये पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा यार। अब तो लगता है तेरी वजह से हमें भी बहुत रोना पड़ेगा यार। अहे, तेरा आखिरी फैसला यही है ना? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांत हो जा, लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा, चल। अब मुझे कहां ले जाना चाहते हो? अरे चल ना यार, बताता हूँ, चल। तू क्या कहना चाहता है, तू क्या करने वाला है भाई? मरम्मत करने जा, सुधर जा, नहीं तो इसी तरह पड़ेगा। Love you.
मेरा जीवन में कुछ भी नहीं। शॉट रंगनाथन। आप मुझसे बात करना चाहते थे ना, आप ही ने कहा था ना कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बताना। क्यों डैड, किसी ने मुझे उसके साथ देखा ऐसी कंप्लेंट की है क्या? Yes, Dad. I'm in love. नाम है कार्तिक, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। आप उसे मिलेंगे ना तो आप भी उसे पसंद करेंगे। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन वो दौलतमंद नहीं है, एक ऑटो ड्राइवर है। उसे मेरी दौलत से कोई प्यार नहीं। मैं गलत सोचती थी कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन जब से मैं उससे मिली हूँ ना तब से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दौलत से सारी खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। उसने मुझे साइकिल पर बिठाकर पूरा इलाका घुमाया, अजीब लगा लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों का रहन सहन देखकर मुझे कुछ कुछ अच्छा लगने लगा। एक गरीब बुढ़िया के स्टॉल से इडली खरीद कर खिलाई, मैंने सोचा कि मुझे वो पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। डैड, वो जिस तरह से जीता है, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करता है, वो बात बहुत प्यारी लगी। उसके जीने के तरीके से मुझे प्यार हो गया है। यही बात है, जिस तरह तू आज कार्तिक की तारीफ कर रही है उसी तरह 3 साल पहले तू प्रेम की तारीफ करती थी। क्यों डैड, एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा प्यार नहीं कर सकते? नहीं नहीं, एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा क्यों नहीं प्यार कर सकते, लेकिन प्यार में जीत होनी चाहिए, हार नहीं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा डैड। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, तुम लाइफ में दोबारा डिस्टर्ब ना हो इसलिए तेरी हर हरकतों पर मेरी नजर दिन रात लगी रहती है, यहाँ तक कि तुम्हारे प्यार पर भी। इसीलिए मैं तुम्हें कार्तिक के बारे में समझा रहा हूँ। वो ऑटो ड्राइवर नहीं है, वो MBA किया हुआ लड़का है, उसके माँ बाप दोनों बैंक में मैनेजर हैं। वो जिस बाइक में घूमता है वो 1 लाख की है। वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो जिंदगी में हर चीज बेस्ट चाहता है, इसीलिए अचानक किसी चीज के बारे में तुरंत फैसला नहीं करता। छोटी छोटी चीजों में भी बेस्ट ढूंढने वाला अपने होने वाली बीबी को भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लेगा। उसने 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया है, उसमें से तुम भी एक हो। वही टेक्निक वो तुम तीनों पे अपना रहा है। देखो, ये तुम और कार्तिक जब मिले थे, ये तुमसे मिलने से पहले प्रिया के साथ, ये तुमसे मिलने के बाद ज्योति के साथ। मैं तुम्हें बुद्धिमान समझता हूं, इसीलिए ये बात यहीं खत्म करो। टेक केयर माय डियर, बाय। मैं दोनों ही काम करता हूं। मीटर से 10 रुपया ज्यादा मिल जाए तो फिर मैं कहीं भी चला जाता हूँ। अगर मुझसे भूलोगे हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। अरे मुझे लेट हो गया, मेरा शर्ट कहाँ है? इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सॉरी तेजू, मुझे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था ना। अरे बाप रे तेजू, आज रात को ना मैंने एक सपना देखा, हम दोनों की शादी हो रही है। शादी के कुछ महीनों बाद तुम्हारा पेट इतना बड़ा हो गया था, तुम कितनी अच्छी लग रही थी पता है, फिर तुम्हें अचानक दर्द शुरू हो गया। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया, बाहर वेट करने लगा, तभी बच्चे की आवाज आई, मैंने तुरंत अंदर जाकर देखा
वो लड़की थी बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत ही सुंदर बच्ची थी। मान लो अगर हमें बेटी ही पैदा हुई तो उसका नाम क्या रखोगे कार्तिक? नाम तो मुझे याद नहीं है पर। तो फिर मैं तुम्हें बताऊं? बताओ तेजू। प्रिया, ज्योति, क्या कैरेक्टर है तुम्हारा? क्या समझते हो, तुम्हें सब कुछ बेस्ट ही चाहिए, पैर में पहनने वाले जूते और होने वाली बीवी, दोनों का कंपैरिजन एक जैसा, कैसे सोच सकते हो ऐसा? एक ऑटो ड्राइवर हो, देसी दारू पीने वाले हो ना, तुम्हारे माँ बाप बैंक के मैनेजर हैं, सी फेसिंग फ्लैट है, 1 लाख की बाइक है, मुझे धोखा दिया तुमने, अपने जाल में और 2 लड़कियों को फंसाया। चलो चलो ठीक है, 3 लड़कियों को पटाया है, उनमें से एक से तुम शादी करोगे, फिर दूसरी 2 लड़कियां तुम्हारी याद में घुटती रहेंगी। क्यों किया ऐसा, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। ए, चुप करना, क्या तुमने गलत किया की रट लगा रखी है? काम की तलाश में लोग 4-5 कंपनियों में एप्लीकेशन नहीं देते हैं क्या? घर के लोन के लिए 4-5 बैंक में अप्लाई नहीं करते हैं क्या? क्यों, यही सोच कर कि कहीं न कहीं तो अपना काम बन ही जाएगा ना। तुम कब से कह रही हो कि लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं? कौन सी लड़की सती सावित्री होती है? किसी लड़के पर दिल आ जाता है, 2-3 साल उसके पीछे घूमती है लव लव करके, फिर एक दिन उसी लड़के से बोलती है कि अरे बाप रे मेरी माँ नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे, और उसके बाद किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी कर लेती हैं। ऐसा नहीं होता है क्या? उसके बाद लड़के लोग दाढ़ी बढ़ाकर हाथ में बोतल लेकर कुत्ते की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। हेलो, आजकल के लड़के बहुत चालाक हैं और बहुत समझदार भी हैं। कितनी लड़कियां आती हैं और सब कस्में खाती हैं। उनके कस्मों पर भरोसा करके लड़के उनके प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर वो कसम तोड़ के निकल लेती हैं। तुम्हें लगता है ऐसे लड़की के साथ शादी करके मैं अपना घर बसाऊंगा क्या? हाँ, जब तक मुझे लड़की पसंद नहीं आती मैं ऐसा ही करूंगा, डबल रूट या ट्रिपल रूट में जाता ही रहूंगा। हे, मेरी बात मत सुनो, अपने बाप से पूछो। क्या हुआ, तुम्हारी माँ को देखते ही उन्होंने शादी भी कर लिया था क्या? उससे पहले उन्होंने 10 लड़कियों को देखा होगा, अगर वो गलत नहीं है तो फिर मैं भी गलत नहीं हूँ। जी हाँ, मैंने 3 लड़कियों से प्यार किया है और अभी इसी वक्त मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। बचू ही 2 लड़कियों में से जो मुझे बेस्ट लगेगी उसी से मैं शादी करूंगा। क्या कर लोगी तुम मेरा? जाओ यहाँ से, मुझे सिखाने आई हो लड़कों के बारे में। अगर असली मर्द हो ना तो उन 2 लड़कियों में से किसी एक से शादी करके दिखाओ मुझे, देखना कि मैं तुम्हारी जिंदगी को कितना बदसूरत बना दूँ। क्या रे, धमकी दे रही है क्या? तुम रोओगे, मेरे पैर पकड़ के गिड़गिड़ाओगे, इस तेजस्वी को तुमने ठुकराया है, मैं क्या चीज हूँ तुम्हें दिखाऊंगी। गुड लक। हेलो डॉक्टर, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। डॉक्टर, फोन करना है तो ओबामा को करना। प्लीज डॉक्टर, मुझे बचा लो, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर, यहीं पर है, उनसे बात करो। डॉक्टर से? हेलो। नहीं डॉक्टर, आज कुछ 3 दिन हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक मिनट रुको, नर्स से बात करो। लो। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलिए। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो डॉक्टर। हाँ हो जाएगी, उसे यहाँ भेज दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, क्या प्रॉब्लम है? ये है प्रॉब्लम। कौन है ये? ये है तेजू, मेरी फ्रेंड, एक लड़के से प्यार करती थी, बीच में ईगो आ गया, अलग हो गए हमेशा हमेशा के लिए। अरे रे बेचारे। हाँ बेचारे। लेकिन अब वो लड़की कैसी है? वो थोड़ी सी मेंटल हो गई है, प्यार के लिए ही जीना, प्यार के लिए ही मरना, जिसके लिए सब कुछ प्यार ही प्यार हो ऐसे लोग प्यार में मर कट जाते हैं। अब कुछ कुछ समझ में आया तुम्हें? मुझे भी नहीं आया। आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है।
पागल बनकर घूम रही है और तो और प्यार करने वालों को देख नहीं पाती है, देखते चढ़ जाती है। हाँ ज्योति, मेरा दोस्त जिस लड़की से प्यार करता है उससे अब कैसे मना के उससे मिलवाऊं समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तुम क्या कर सकते हो कार्तिक? कर सकता हूँ प्रिया, लेकिन उस लड़के का फोटो लेकर उसके साथ दूसरी लड़की का फोटो जोड़कर वो उस लड़के को बदनाम करते हुए घूम रही है। अब करें तो करें क्या? अब आगे क्या होगा? दो फ्रेंड के बीच में अब तीसरी आ गई। मुझे अब डर लग रहा है ज्योति। क्यों? हाँ प्रिया, तेजू तुमसे भी मिल सकती है, प्रेमियों के बीच में फूट डालती है, वो तो तुम्हें मेरे खिलाफ भी भड़का सकती है, मेरे दोस्तों की तरह, कहीं हम भी ना बिछड़ जाएं। मुझे तो अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा है, कहीं हम भी अलग हो गए तो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, हम कहीं बिछड़ तो नहीं जाएंगे ना। मैं क्या पागल हूँ? कोई भी कुछ कहेगा और मैं मान लूंगी। तुम बहुत कंफ्यूज हो गए हो। थैंक्स ज्योति। रिलैक्स कार्तिक। आई लव यू सो मच कार्तिक। आई लव यू। थैंक्स ज्योति। अरे कार्तिक, मैं प्रिया हूँ। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरी बात का जवाब दिए बिना अंदर चली गई। ओ, कार्तिक की माँ से कुछ काम होगा। अरे तुम कौन हो बेटा? अरे बताओ तो तुम्हें कौन चाहिए? कौन है ये लड़की? वही तो, बाजू के फ्लैट हमारे जैसे, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। किसी और का घर समझ कर आ गई होगी। क्यों बेटी, किसी सेठ का घर समझ कर आ गई क्या? कौन है ये, क्या कर रही है? कॉफी या चाय ऐसा ही कुछ बना रही है, लगता है थोड़ी मेंटल है बेचारी। अरे बेटा कौन हो तुम? हंस रही है, लगता है मेरा शक बिल्कुल सही है। आप जरा चुप रहेंगे, कौन है ये हमें पता तो चले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, वैसे तुम अभी तक बताई नहीं कि तुम हो कौन। आप सिर्फ कॉफी पीजिए। तुम्हारी तरह मैंने भी नहीं पहचाना। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनी। लेकिन ये इसके बीवी की तरह सीधे उसके कमरे में घुस गए। हाँ, पता नहीं कार्तिक। माँ सोने देना। माँ कार्तिक उठो ना, मैं प्रिया। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम गुस्सा क्यों करते हो? कुछ अर्जेंट था, फोन ट्राई कर रही थी, स्विच ऑफ बता रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई, और कोई रास्ता नहीं सूझा। जाओ जाओ जाओ। एक्चुअली मैं जब से यहाँ आई हूँ आंटी और अंकल यही पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ कौन हूँ। मेरा बताना ठीक नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, तुम ही बता दो। मैं बाजू वाले कॉफी शॉप में वेट करती हूँ, तुम वहाँ जाओ। बाय आंटी। बाय। ए भगवान, अब क्या करूं? माँ को कैसे समझाऊंगा ये तुमने क्या किया? तुम्हारे मम्मी पापा को मेरी बनाई हुई कॉफी कैसी लगी? कहा तुम्हारे लिए कॉफी शॉप खोल के दे देंगे। हे प्रिया, तुम मेरी माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। मेरा फोन नहीं लगा तो क्या हुआ? कुछ देर बाद फिर से ट्राई कर लेती, घर पे आने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो तुमने उस दिन जो फोटो दिखाया था। हाँ, तेजू का था, तो क्या हुआ? तेजू से मैं मिली थी। जैसा तुमने कहा था वैसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से बात की उसने। उसने अच्छे से बात की? हाँ कार्तिक, बहुत अच्छे से बात की। उसने क्या क्या कहा था? You're really lucky. एक लड़का एक लड़की से जब आंखों में आंखें डालकर बात करता है तो वो सही है। कार्तिक एक बहुत ही अच्छा लड़का है। थैंक्स। कार्तिक की बस एक ही प्रॉब्लम है, वो अपनी माँ से बहुत डरता है। उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की देख रखी है, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो ये कह दे कि वो किसी और से प्यार करता है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ये बात उसकी माँ से कह दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। और वैसे भी उसकी माँ बहुत अच्छी है, उसके घर जाने की बात कार्तिक को नहीं पता चलनी चाहिए। भले ही उसका सपना टूट गया हो, लेकिन दूसरों का सपना वो चाहती है कि ना टूटे। तेजू के कहने पे ही मैं तुम्हारे घर पर आई थी, अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी माँ को हमारे लव के बारे में पता चल गया है, अब कोई डर नहीं है। जब मैंने तुम्हारी माँ को पहली बार देखा तब मैं कितनी घबरा गई थी पता है, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने मैनेज कर लिया। ओह शिट, अब मैं दूसरी वाली की प्रॉब्लम को कैसे संभालूं? राइट 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 में लेना। ज्योति हम कहाँ जा रहे हैं? बताती हूँ बाबा। ये मुझे कहाँ ले आई?
ये क्या है ज्योति? बताती हूँ ना, आओ ना कार्तिक। कहाँ जा रही हो ज्योति? ये कौन सी जगह है ज्योति? दामाद जी, ये तुम्हारी ससुराल है। आओ 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 आओ। नमस्कार, ये वीर प्रताप का टूटा फूटा घर है। वीर के घर में स्वागत है। आओ आओ आओ, बैठो। और कैसे हो, सब ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक हो सर। सर, ये क्या दमाजी सर कह के बुला रहे हैं? हाँ, तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो ना? तुम दूल्हे हो साले, नहीं तो भैया तो कह सकते हो। अरे बताओ ना इसे। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा भैया। चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अंकल, आप मेरी बुआ से शादी करने वाले हैं ना? सुनो, तुम लोग अंदर जाओ। बताइए ना, मेरी बुआ से शादी करने वाले हैं आप? बच्चे हैं। हाँ, ये क्या चोरों जैसा तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? दामाद जी है भाई। ये कौन है? आ जाओ अंदर, आओ अंदर, आओ अंदर, आओ आओ आओ। मेरे ही आदमी है। दामाद जी है भाई, सारे लोग आ चुके हैं, आपका इंतजार हो रहा है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जाओ, हाँ जाओ जी। दामाद जी चलिए। कहाँ चले सर? बताता हूँ दामाद जी। दामाद जी मिलो इनसे, हाथ दिखा के अभिनंदन करो सबका। दामाद जी हैं ज्योति के होने वाले पति। जोड़ी बहुत बढ़िया है भाई। अरे ये क्या हाथ नीचे किया हुआ है? अरे हाथ उठाओ, अभिनंदन करो सबका। हाँ, दामाद जी हैं। ए ज्योति, लड़का बहुत अच्छा है, जिंदगी भर साथ निभाना। देखा ना दामाद जी, इतनी भीड़ को देखकर क्या सोच रहे हो आप कि मैं आपको डरा रहा हूँ? नहीं दामाद जी, मेरी बहन है ना, मेरे गांव की लाडली भी है, इसीलिए पहचान करवाना जरूरी है। आप घबराइए मत, ये जो 400 लोग हैं इन्हें मैं संभालता हूँ, लेकिन ये 400 लोग अब आपको संभालेंगे। ये सब इसी गांव में इधर उधर बसे हुए हैं, ये सब मेरे लिए काम करते हैं। छोटा सा काम है, हाथ पैर तोड़ना, सर काटना। मेरे बहुत वफादार हैं ये लोग। मान लो तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया तो काट डालेंगे ये। या कोई लड़की तुम्हें परेशान करने लगे, जैसे बस स्टॉप पर मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था, उन्हें ये बात पता चल गई ना, तो उसके साथ उसके परिवार को भी घर से उठाकर गायब कर देंगे। पता नहीं चलेगा। पहचान लो इन्हें। अरे संभाल के दामाद जी, अंदर आ जाओ। दामाद जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहन को ना लड़के लोग पसंद ही नहीं आते थे, बचपन से बिना माँ बाप के पली है ना। उसके बाद मैंने और मेरी बीवी ने इसे माँ बाप की तरह पाला। मैं थोड़ा टेढ़ा आदमी हूँ, इसीलिए थोड़ा डरती है, इसे मर्द जाति से ही नफरत है। लेकिन जब से तुमसे मिली है ना, लड़कों के बारे में अच्छा ही अच्छा कहना शुरू कर दिया इसने। और दामाद जी, मैं इसके बारे में इतनी बातें कर रहा हूँ, इसे आप बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन ही सब कुछ है। ठीक है, जाओ जाओ। अरे जाओ, उसे छोड़ के आओ। बहुत प्यारा दामाद। कार्तिक, मैं तुम्हें यहाँ अपने घर क्यों लेकर आई पता है तुम्हें? तेजू से मिली थी। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ कार्तिक, लेकिन वो तेजू खुद मुझसे आकर मिली थी। मैं समझी थी कि वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत सलत बातें करेगी, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में अच्छा ही कहा। ऐसा उसने क्या अच्छा कह दिया? तुम्हें कार्तिक के जैसा कोई दूसरा लड़का मिल ही नहीं सकता। मेरी पसंद कोई और था, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त कार्तिक ही था। देखा जाए तो उसके दोस्त बहुत ही लिमिटेड हैं। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, इसीलिए यहाँ आई हो। पता नहीं क्यों कार्तिक को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वो लड़कियों को पसंद ही नहीं करता। उसके घर वाले उसकी शादी कराने के लिए कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। इसीलिए घर वालों की मर्जी पर छोड़ दो और तुम अपने भैया को ले जाकर उसकी फैमिली से मिला दो। जब तुम ऐसा करोगी ना, फिर खुद देखना
कि कैसे बात बन जाती है। उसका प्यार करने का स्टाइल ही बदल जाएगा। वो बहुत ही अच्छा है। अब पता चला कार्तिक, मैं अपने भाई से मिलाने के लिए तुम्हें क्यों लाई। आज तो पूरा गांव जान गया हमारे इस रिश्ते के बारे में। मैं तुम्हारी हूँ कार्तिक। देख लिया ना, मुझे नीचा दिखाने का नतीजा। क्या ब्रिलियंट प्लान था। तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं करूंगी। जो मैं करूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम 10 चाल चलोगे तो मैं 11वीं चाल से मात दूंगी। मेरा नाम है तेजू। वैसे ये बात गलत भी नहीं। मेरे हिसाब से तो प्रिया को तुम्हारी माँ बहू मानने लगी है और ज्योति का भाई तुम्हें दामाद। इंटरेस्टिंग है ना। तुम्हारी ये शर्ट एक दिन उतर जाएगी और तुम सड़क पर आ जाओगे। आना पड़ेगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि लड़की क्या होती है। पता चलेगा तुम्हें। जाओ जाके सोचो मेरे अगली वार से कैसे बचना है। एक हिंट दे सकती हूँ। अगला वार प्रिया होगी और मेरे प्यारे दुश्मन तुम होगे। कब, कैसे, कहाँ पर होगा? सस्पेंस। गुड लक।
मेरा इश्क तो है ये सजा सबसे बड़ी है खता सोनी प्यारी कर ले तू खता प्यार में तू तोड़ दे हदे आवारा बादल तू मैं दीवाना पागल तू मैं भूल जा तू मुझे छाई है बेताबी हो रही बेचैनी छाई है कैसी ये मदहोशी कैसी है ये तड़प मीठी सी है कसक काबू अब दिल पे मेरा ये प्रेम का है असर रहना खुद की खबर जाए जहां भी नजरें आता बस प्यार ही नजर आसान नहीं ये सफर शोलों की है ये डगर सोनी प्रिया अगला वार प्रिया होगी और मेरे प्यारे दुश्मन तुम होगे। अरे मेरा प्यारा खिलाड़ी आउट हो गया अब तो टीम गई काम से अब तो आगे कोई खेलने वाला ही नहीं बचे अब क्या करेंगे कार्तिक प्रिया बोलो प्रिया मुझे कुछ बात करनी है मुझसे मिल सकते हो पुराने मंदिर में आता हूँ प्रिया अब तो तेरे हालत लग गई मर गया तू अब तू मरेगा बेटा कहाँ है नजर नहीं आ रही ए, यहाँ मंदिर में क्यों बुलाया तुमने आओ बताती हूँ कार्तिक मैं बचपन से ही एक सपना देखती आई हूँ जिससे प्यार करूँ उसी से शादी करूँ मेरे घर पर मेरे दोस्त लोग सभी मुझे पागल समझते हैं ऐसा नहीं हो सकता यही कहते रहते हैं उस वक्त मेरा दिल बहुत दुखता है जब भी मैं उदास होती हूँ यहीं पर आती हूँ यहाँ पर आते ही मेरा दिल विश्वास से भर जाता है लगता है सपना जरूर पूरा होगा इसलिए मैं यही चाहती थी कि तुम भी यहाँ एक बार जरूर आओ हे भगवान जय भगवान सुनो कार्तिक तुमने मुझे प्रपोज किया और मैं आसानी से मान गई मान लो अगर मैं ना कर देती तो तुम क्या करते बताओ ना कार्तिक अगर मैं नहीं मानती तो तुम क्या करते बताओ ना कार्तिक बताते हो या नहीं मैं यही करता मतलब अगर तुम ना करती तो खामोश रह के तुम्हारे पीछे पीछे पागलों की तरह भटकता रहता एक ना एक दिन तुम्हारा दिल पिघल जाता कार्तिक नॉट बैड मान लो मैं स्वार्थी होती स्वार्थ में तुम्हें ना कह देती तो तुम क्या करते सोच के बताना कार्तिक hey. कहाँ चले गए थे मैं परेशान हो गई थी अगर तुम ना करती प्रिया तो इसी तरह
तुम्हारी नजरों से दूर चला जाता तुम मुझे ढूंढती रह जाती, जिस तरह अभी ढूंढ रही थी, है ना? नमस्ते अंकल। ओके ओके, कौन हो तुम? कौन है जी? हाथ में दूध का पैकेट तो नहीं है ना? अब घबराइए मत, मैं प्रिया की तरह कॉफी बनाने नहीं आई हूँ, मैं कार्तिक की फ्रेंड हूँ, 2 मिनट चाहिए, उससे मिलके चली जाऊंगी। हाय कार्तिक, गुड मॉर्निंग। अब तक सो रहे हो? वाह, अगर मैं तुम्हारे प्यार को ठुकरा देती तो क्या तुम इसी तरह चैन से सो रहे होते, मेरी तरह घूम घूम के मेरे पास मेरे घर के चक्कर लगा रहे होते? क्या टाइमिंग है यार, प्रिया बेचारी रात भर वहाँ सो ही नहीं पाई और तुम यहाँ 9 बजे तक सोए हुए पड़े हो। उसे तो मैनेज कर लोगे ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन ज्योति के भाई से तुम किस तरह पीछा छुड़ाओगे? हाँ सो सभी लोग 10 बजे तुम्हारे घर में आने वाले हैं। सोच रहे हो कि किस लिए? रिश्ते के लिए यार, अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा है, रेडी हो जाओ, गो गेट रेडी। क्या बात है तमाजी, क्या हुआ? सर सर सर, मैं ज्योति से प्यार करता हूँ, आपसे भी प्यार करता हूँ। सर सर, आप मेरे घर मत आइए सर, मेरा विश्वास कीजिए सर। रुको 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 रुको, मेरे जाने से तुम्हारे प्यार का क्या लेना देना? है ना सर, है ना सर। ज्योति तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? प्लीज ज्योति, शादी की इतनी जल्दी क्या है? अब मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, थोड़ा वक्त दो, तब तक मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। अब पहले मैं अपने घर में बात तो कर लूं, उसके बाद रिश्ते की बात कर लेना। सर सर, आज घर पे मत आइए सर, और रिश्ते की बात अभी मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए सर, मेरे पास नौकरी तक नहीं है। ज्योति समझाना इन्हें। सर चलता हूँ सर, भगवान बचाना। बाप रे, क्या हो गया दामाद जी को? मैंने कब कहा कि दामाद जी के घर पर जाकर मैं रिश्ते की बात करना चाहता हूँ? मैं तो अपने काम से जा रहा था, घर पे आओ मत, रिश्ते की बात करो मत, मुझे कुछ समय दे दो, इसे हो क्या गया है? भैया प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है, ना कहने का मतलब हाँ होता है, हाँ का मतलब ना होता है, घर पर ना हो इसका मतलब घर पर आओ ऐसा होता है, रिश्ते की बात ना करो मतलब रिश्ते की बात जल्दी से करो, मेरे बिना अब वो शायद रह नहीं सकते हैं, इसीलिए जल्दी ब्याह कर ले जाना चाहते हैं, चलिए ना भैया। जी कह रहे थे मेरे घर पे आकर रिश्ते की बात मत करो, मैं समझ बैठा मेरी बहन उसे पसंद ही नहीं होगी, तब मेरी बहन ने समझाया प्यार में ना का मतलब हाँ होता है। ये पढ़े लिखों की भाषा मैं क्या जानू, हमारे बाप दादा के जमाने में जिसके साथ बांध दिया जाता था उसके साथ जिंदगी गुजार लेते थे, ये तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, इसने हाँ कर दी इसीलिए रिश्ते की बात करने आए हैं। क्यों अब खुश तो हो ना दामाद जी? ये देखो शर्मा रहा मेरा दामाद जी शर्मा रहा है। जो तुम चाहते थे वो अब हो गया ना, मैं कहीं बात करके तुम्हें अच्छे से पगार में अच्छी सी नौकरी पे लगा दूंगा। अरे मेरी बहन के होने वाले तुम जिंदगी हो, तो मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता क्या? और मुझे भी तुम जैसा दामाद चाहिए था। अरे बहन जी आप इतनी खामोश क्यों है, कुछ कहिए ना, कौन सी ब्रांच में है? अशोक नगर। अशोक नगर, ये तो अपना एरिया है, कोई भी प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा, काट के फेंक दूंगा सालों को। और भाई साहब मैं काम नहीं करता, बेकार हूँ। मैं भी वैसा ही हूँ, काम तो कुछ करता नहीं फिर भी फुर्सत नहीं है। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, आप जब कहिए शादी हो जाएगी, अच्छे परिवार में इस तरह मेरी बहन का रिश्ता जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फिर मैं चलूं? जी। चलो चलो आओ आओ, नमस्ते। चलता हूँ दामाद जी। चलती हूँ माँ जी। ये सब क्या है, अब तो खुश हो ना? मर गए। सबसे पहले एक लड़की आई,
उसने कॉफी बना के पिलाई। उसके बाद दूसरी लड़की आई, उसने कहा कॉफी बनाने के लिए नहीं आई है। उन दोनों लड़कियों के बाद तीसरी आई पूरे गांव वालों के साथ, और उसका भाई कह रहा था कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना, मैं उसे काट के फेंक दूंगा। अब आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? सिर्फ तीन ही है या और भी आना बाकी है? मुझे इस बात का दुख नहीं है, ये नालायक बेटा हमेशा मुझसे कहता है मुझे लड़कियों से नफरत है, जो आता है कहता है हमारा परिवार बहुत अच्छा है। अरे भगवान, तुम उनकी बातों को ऐसे क्यों ले रही हो? आज के जमाने से सोच के देखो, हमारा परिवार बहुत अच्छा है। हाँ रे मेरा नसीब, ये पुरानी सोच है। क्या कर रहे हैं? अब ना पापड़ बेल। अंकल तुम मेरी बुआ से शादी करने वाले हो ना, अब तुमने उसका दिल तोड़ दिया ना। वाह दोस्त, शादी के नाम पे अच्छी फ्लर्टिंग चालू कर रखी है तुमने। एक काम कर, एक चौथी लड़की पटा ले और इन तीनों की कहानी उसे सुना दे। याद रखना, खून के आंसू रोएगा तू, खून के आंसू। पीस में देखकर कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं ही बेस्ट हूं? तेजू मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक एक पल, एक एक सेकंड, अब आगे क्या होगा, क्या होगा, यही सोच सोच कर घुट रहा हूं। मैंने पाप किया है, लेकिन मैं तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। ये सब मैंने आखिर क्यों किया? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? तुम चाहो तो आज से ही ज्योति प्रिया सबसे मिलना बंद कर दूंगा। मेरी गलती को माफ कर दो, मुझे गले लगा लो तेजू, प्लीज तेजू, मुझे माफ कर दो, प्लीज तेजू, प्लीज तेजू, प्लीज तेजू, प्लीज तेजू, प्लीज तेजू। इस तरह से गड़गड़ा के तुमसे माफी मांगूंगा, यही सोच रही हो ना? चल हवान दे। एक बात तो बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, जब एक लड़का तीन तीन लड़कियों के साथ प्यार का खेल खेल रहा है तो क्या उसे आने वाली मुसीबतों का अंदाजा नहीं होगा? हा? मैं ऐसा ही हूँ, कुछ करने से पहले सोचता हूँ। पर तुमने नहीं सोचा क्या? हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास करोड़ों की दौलत है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक लड़का हूँ। तुमने मुझे क्या उल्लू समझ रखा है? अब एक बात समझ लो, तुम ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बात और, ज्योति और प्रिया में मुझे जो भी ज्यादा अच्छी लगेगी मैं बस उसी से शादी करूंगा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं इतनी दूर से आखिर यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे पता है तुम यही सोच रही होगी, मेरे जैसे जाबाज लड़के कुछ करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और जब करते हैं ना मोहतरमा, सुनिए फिर कुछ नहीं सोचते, लटका लटका के मारते हैं। चलता हूँ। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि हाँ मुझे टू पीस में देखकर बेस्ट तो नहीं मानने लगे? अरे जा जा बेवकूफ कहेंगी, तू चाहे टू पीस में आ जा या सिंगल पीस में आ जा, रहेगी हमेशा डमी पीस ही। हाँ। और हाँ थोड़ी तहजीब सीख ले, लड़कों से अपना जिस्म छिपाया कर। चलता हूँ। जब एक लड़का तीन तीन लड़कियों के साथ प्यार का खेल खेल रहा है तो क्या उसे आने वाली मुसीबतों का अंदाजा नहीं होगा? हा? वेट, कहाँ जा रही हो? अपने भैया को बताने जा रही हो? क्या होगा उससे? वो अपने गुंडों से बोल के उसे मरवा देंगे। मरवा देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। उसे मारो। तुम्हारा किया हुआ हर वार उसे जिंदगी भर याद रहना चाहिए। लड़कियों को क्या वो इतना फालतू समझता है? वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। क्यों?
हम लोग स्मार्ट नहीं है क्या? तो फिर मैं क्या करूं? कल तुम जब उससे मिलोगी तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में मिलो, सज धज के बालों में गजरा लगा के जाओ और उसी की चाल चलो। हम दोनों कहीं बिछड़ ना जाएं, इस बात का डर लग रहा है कार्तिक। क्या कहा? उससे कहो कि मेरे भैया ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया है। नहीं कार्तिक, मेरे भैया ने हमारे रिश्ते को ठुकरा दिया है। खुश हो जाएगा, आगे कुछ नहीं कहेगा। चेहरा उतार के ये भी कह सकता है कि क्या मैं तुम्हारे भैया से बात करूं? मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगा ज्योति। मना कर देना। नहीं कार्तिक, उससे कहना किसी के भी कहने पर वो नहीं मानेंगे। अब उन्हें कोई भी मनाएगा तो भी वो नहीं मानेंगे। वो पूछेगा कि अब हम क्या करें, तब उससे कह देना हम दोनों चुपके से शादी करके सीधे उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तब तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। तब वो कहेगा नहीं नहीं, ये गलत बात है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब तुम्हें अपना खेल दिखाना होगा, अपने बालों में लगे गजरे को नोच कर जोर जोर से रोना होगा, तब पब्लिक उसे खेल लेगी। तो फिर हम एक काम करते हैं। वो क्या? शादी कर लेते हैं। हाँ, चुपके से मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब तुम क्या सोच रही हो? हम दोनों प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसमें हर्ज क्या है? अगर तुम्हारे भैया नहीं भी मानते हैं तो वो क्या कर लेंगे? उनके पास कोई रास्ता नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, समझेगी नहीं? हम कल ही शादी करेंगे। कल 6 बजे मंदिर में पहुँच जाना, वही मिलूंगा। ओके, मूवी प्लान कैंसिल, बाय। ज्योति, तुम बहुत अच्छी लग रही हो इस गजरे के साथ, तो तुम और भी अच्छी लग रही हो। कल आना मत भूलना। हाँ, बाय। व्हाट? क्या व्हाट? जो डायलॉग्स तुमने कहने के लिए कहा था वो सारे वो बोलकर चला गया। कल सुबह 6 बजे वो मुझे पिकअप करने के लिए आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है तेजू, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। यू रिलैक्स ज्योति, वो अपने आप को ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। क्या स्मार्ट समझता है? कल सुबह 6 बजे वो मुझे सचमुच लेने के लिए आ गया तो? नो चांस, उसको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पता है वो क्या करेगा? कल वो तुम्हें फोन करके कहेगा मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, यही सब बहाने बनाएगा। क्या सोच रही हो? यकीन करो वो नहीं आएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हेलो हेलो ज्योति। हाँ कार्तिक। ज्योति सॉरी ज्योति, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं आज आ नहीं सकता। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, वैसे मैंने सब तैयारी कर ली है, अचानक पता नहीं मेरी तबीयत कैसे बिगड़ गई। तुम थोड़ा खिड़की से बाहर झांक कर देखोगी? हाँ? क्या हुआ, टेंशन में थी ना? चलो जल्दी नीचे जाओ। पिकअप। ज्योति। यू। हाँ बोलो ज्योति। तुम आराम से सो रही हो? क्यों, क्या हुआ ज्योति? अब क्या होना बाकी है? तुमने कहा था वो नहीं आएगा, वो नीचे आके खड़ा है दूल्हे की तरह सजकर, मुझे डर लग रहा है। ओके, तुम उसके साथ चली जाओ। ठीक है। तू चाहती क्या है, मैं उसके साथ शादी कर लूं क्या? मैं जाने के लिए कह रही हूँ। शादी नहीं होगी। वो मंदिर नहीं पहुँच पाएगा। कैसे? अगर वो पहुँच गया तो? तुम्हारा पूरा गाँव उसे घेर लेगा, वो मरेगा या भागेगा। ज्योति, आज हमारी फर्स्ट नाइट होगी ना? हे, शर्मा रही हो क्या? अब हम क्या करें कार्तिक? लगता है भैया को शादी के बाद पता चल गई है कार्तिक।
ये लोग बहुत खूंखार हैं। मुझे मेरे घर पर छोड़ दो कार्तिक। नहीं कार्तिक, सुनो कार्तिक, प्लीज प्लीज कार्तिक, झगड़ा मत करो कार्तिक, मेरा कहना मानो कार्तिक, कार्तिक ये लोग बहुत खतरनाक हैं कार्तिक, प्लीज कार्तिक चलो यहाँ से, प्लीज कार्तिक आओ चलो चलो ना कार्तिक। जब हीरो बनने के लिए मैदान में कूद ही गया हूं तो फाइट करने से क्या डरना है? अब देखो अपने होने वाले पति के बाजुओं का जोर। सुत्री थी, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, यही ना? से हे, क्या कर रही हो? चलो जल्दी आओ, जल्दी वक्त नहीं है। हे, सब कुछ रेडी है ना? सब रेडी है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जल्दी आओ, चलो 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 माला दो, माला दो, माला दो, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। पंडित जी, ये सब करने का टाइम नहीं है, सीधा सात फेरों का मंत्र पढ़िए। लेकिन रुकिए जरा ज्योति, मंगलसूत्र खरीदने दुकान गया था, 10 में से मुझे 3 पसंद आए, इसमें कौन सा बेस्ट है मुझे नहीं पता, इन तीनों में से जो भी पसंद हो तुम खुद ही सिलेक्ट कर लो। बताओ बताओ ये कैसे हो सकता है? कैसे मंगलसूत्र पहनकर बीवी बनाने चले हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लड़के जात से नफरत थी और तुम्हें लड़कियों से नफरत थी। अगर मुझसे प्यार करते हो तो प्रिया और तेजू से प्यार का खेल क्यों खेला? बताओ, तुम उनसे भी प्यार करते हो?
10 चाल चलूंगा तो तुम मुझे 11वें चाल में मात दोगी, मैं 11वां चाल चलूंगा तो तुम 1100 चाल चलोगी। क्या यार, एक समझदार लड़की किस तरह बातें करती है और एक नासमझ लड़की किस तरह बात करती है, इतनी भी समझ नहीं तुम्हारे पास, बंदरिया लगती हो तुम। ज्योति मैं बस आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। वारे 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 वाह, क्या लग रही है इस ड्रेस में, भगवान के सब। वो क्या है ना, वो क्या है कार्तिक, मेरे भैया हमारे रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। वो क्या है ना, ये सब नाटक में काम आ सकता है, लेकिन मेरी प्यारी ज्योति, सच्चे दिल वाली ज्योति, उसके बीच और मेरे बीच दिल का कनेक्शन है। मैं तुम लोगों के लायक नहीं हूँ, लेकिन एक बात है ज्योति, मेरी प्रिया के सामने तुम दोनों मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। थोड़ी देर पहले तुम में से कौन मेरी पत्नी बनेगा ये मैं नहीं जानता था, लेकिन जब तुमने मुझे पिटवाने की कोशिश की उसी वक्त तुम मेरे दिल से निकल गई। इन मोहतरमा की तरह तुम्हारा भी पत्ता साफ। और हाँ, तुम्हारा प्लान भी बढ़िया था और तुम्हारे लोग भी बहुत बढ़िया थे, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। Yes, coming. वो क्या है ना मैडम, आप महले पे दहला देगी, गुंडों से पिटवा देगी, इसे अमोल पालेकर समझाए क्या, एक्शन हीरो है, 10 का 100 आदमी भी इसके सामने आ जाए ना मैडम तो चीर के रख देगा। अरे छोड़ना, दो बातें और कर ले। अरे छोड़ना, क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है। मोहतरमा, अब तुम्हें अगला बार कब करना है, कैसे करना है ये सोचिए, मैं चलता हूँ, ठीक है। उदास चेहरा देखकर ये मत समझ लेना कि ये हार गया है, ये खुश होता है तो उदास ही दिखता है आपकी तरह। अरे मार रही है यार, निकल ले। ए भाई, तेजू और ज्योति तो तेरे रास्ते से हट गई, प्रिया को वाइफ बनाएगा क्या? प्रिया भी नहीं है। अरे बाप रे, फिर से 3 लड़कियों को पटा के उनके साथ यही खेल खेलना चाहता है तू? कोई नहीं चाहिए, प्रिया भी ऐसी होगी, किसी पर भरोसा नहीं है, तेजू और ज्योति से सीख लिया है, लड़की की जात ही ऐसी होती है, कहां ढूंढू, कहां होगी वो लड़की। नो लव नो टेंशन। बोलो प्रिया। ऐसे कैसे हो गया? तुम फिक्र मत करो, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हो गया यार, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ यार, प्रिया ने क्या कहा बताना। उसके घर का कुत्ता मर गया है, जाके शोक मनाना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार। मुसीबत की क्या बात है यार, इस दुनिया में आदमी मरता है तो उसकी लाश पर रोने वाला कोई नहीं मिलता, और हमें उस कुत्ते के लिए शोक मनाने के लिए जाना है। एक काम कर, तू वहाँ पहुँच, हम लोग भी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। कुत्ता है तो क्या हुआ यार, आर्थिक का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। अब पता चला प्यार में क्या क्या झेलना पड़ता है, तुम लोग मत करना, क्या हालत हो गई है, ग्लिसरीन लगा के रोना पड़ेगा। उससे मैं बहुत प्यार करती थी, आज वो मुझे छोड़ के चला गया, आज मेरा दिल बहुत दुखी है। प्रिया छोड़ो प्रिया, तुम्हारे ऐसे रहने से वो वापस नहीं आने वाला है। पर कौन सुनता है मेरी। प्रिया 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 उठो, प्रिया उठो, सॉरी प्रिया, जल्दी प्रिया, प्रिया 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 प्रिया, हे हे प्रिया, क्या हुआ प्रिया, प्रिया प्रिया। नथिंग टू वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। एक बात बताइए, सोच सोच कर इस तरह अचानक बेहोश हो जाने के लिए ऐसा इसके साथ क्या हुआ है? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर, घर में कुत्ता था, उससे वो बहुत प्यार करती थी, वो मर गया इसीलिए उसके बारे में सोच सोच कर ये हाल हो गया, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। कुत्ते के लिए इतना टेंशन कोई लेता है क्या, ये तो नो नो, आप समझ नहीं पाए,
जब प्यार की बात आती है तो चाहे वो इंसान से हो या जानवर से, कोई भेदभाव नहीं होता। आपकी बेटी के साथ जो हादसा हुआ है उससे लगता है कि वो बहुत सेंसिटिव टाइप की है। उसे यही फिक्र सताई जा रही थी कि उस कुत्ते को वो दोबारा देख नहीं पाएगी। यही है मेन प्रॉब्लम और बेहोशी का कारण भी यही है। नाउ शी इज ऑल राइट, नॉट टू वरी। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, मिस्टर कार्तिक ने आपको ये देने के लिए कहा। कार्तिक ने? कार्तिक कहाँ है माँ? तुम मुझे इतना चाहते हो कार्तिक? Thank you so much. I'm so lucky. मैं ही उसे पहचान नहीं पाया, वो मुझे पसंद है। एक कुत्ते के लिए इतना रो सकती है, इतना तड़प सकती है, उसे अपने सीने से लगा सकती है, वो मुझे अच्छी लगी यार। एक कुत्ते के मरने का सदमा वो सहन नहीं कर पाई। जब उसे मेरे कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा तो वो जाने क्या कर बैठेगी, वो सहन नहीं कर पाएगी यार। कल को प्रिया मेरी बन पाएगी या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे अपने दिल में बसा लिया है। प्यार क्या होता है मैं नहीं जानता था, ये मेरे लिए बस एक खेल था। लेकिन आज प्रिया की वजह से ही मैं आज ये समझ पाया हूँ कि प्यार क्या होता है। प्रिया का फोन है। हेलो प्रिया। प्रिया नहीं मिस्टर रंग बदलू, तेजू। तेजू? तेजस्विनी। तेजू, तेजू प्लीज तेजू। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ तेजू, प्लीज प्लीज तेजू। अब कोई खेल मत खेलना। बड़ी शराफत से बात कर रहे हो, फिर भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। नो परफॉर्मेंस। अगर तुम सिर के बल भी खड़े हो जाओ ना तो भी मैं विश्वास नहीं करूँगी। नहीं तेजू, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। ओह रियली? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। देखो मुझे एक मौका दो। बकवास बंद करो, तुम लड़कियों की साइकोलॉजी को अच्छी तरह से पहचानते हो ना। तो जाकर देखो, बेचारी प्रिया का कुत्ता मर गया, उसे तुम्हारे बारे में अब पता चलेगा तो। तेजू। ये है साइकोलॉजी, अब क्या करोगे? सुसाइड। तेजू। सुसाइड करते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं। वैसे उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्रेन से कट जाओ, फांसी लगा लो या जहर पी लो, सोचना पड़ेगा। आंखों के सामने है समुंदर। हेलो हेलो हेलो। बाय हनी। हेलो हेलो। मैंने आज तक जो कहा ये उसका सबूत है।
कार्तिक, तीजू को तो मैं मानती हूँ पागल है, ज्योति भी पागल है क्या? उसके इस तरह के फोटोज दिखाने से क्या मैं मान जाऊंगी कार्तिक? मैं तुम्हें जानती नहीं क्या? हे, हम लोग पागल नहीं, तुम पागल हो। ए रिया, फोटो क्यों फाड़ रही हो? फाड़ू नहीं तो क्या करूं? चलो कार्तिक। प्रिया, प्रिया रुको, प्रिया हमारा यकीन करो, प्रिया, प्रिया मैंने भी तुम्हारी तुम लोगों पर विश्वास नहीं है। चलो कार्तिक, इसने मुझे ऑटो वाला बनकर धोखा दिया। प्रिया, हाँ प्रिया, मुझसे ये कहता था कि लड़कियों से ये नफरत करता है, उसका विश्वास मत करो। जब सच्चाई जानोगी तो बहुत पछताओगी तुम। बाय कार्तिक। बाय प्रिया। ज्योति और तेजू ने तुम्हें मेरे खिलाफ कितना भड़काया, फिर भी तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ? जहाँ प्यार होता है वहाँ शक नहीं होता, और जहाँ शक होता है वहाँ प्यार कभी नहीं पलता। मैं तुम पर शक कर ही नहीं सकती। आई लव यू कार्तिक। मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, सिर्फ प्रिया ही करती है। आज मेरा रोने का मन कर रहा है तो मुझे रोना भी नहीं आ रहा है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। फिर भी मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ, वरना मेरा दिल मुझे माफ नहीं करेगा। I'm in love। तुम दोनों को कितना दुख पहुंचा होगा ये मैं आज समझ रहा हूं। सॉरी तेजू, मुझे माफ कर दो ज्योति। प्रिया ने मुझ पर विश्वास करके बहुत सारे सपने संजोए होंगे, उसने तुम्हारे समझाने पर भी शक नहीं किया, लेकिन आज मैं उसे सच्चाई बता दूंगा। प्रिया से मुझे कुछ भी नहीं छुपाना, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मुझे माफ कर देगी, लेकिन इससे पहले मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूं। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं जानता हूं कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये दिल से नहीं कह रहा हूं, लेकिन आई एम सॉरी। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या ब्रदर, मजे ले रहा है क्या? मुझे पहचाना नहीं? कैसे पहचानेगा, कौन है ये लोग? ठीक से याद नहीं आ रहा तो याद दिला दे क्या? कार्तिक, चलो प्रिया चलते हैं यहाँ से। यादो रुको यार, अरे तुम तो कुछ कह भी ना जा रहे हो। अरे अरे रोको उसको। रुकना कार्तिक। ए, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम लोगों को? प्रिया, ये लड़की इतने हिम्मत से बात कर रही है, तुम में उतना भी दम नहीं, चल बोलना। चलो प्रिया चलो। ए, जवाब तो देता जा। Yo!
और कितनी लड़कियों की जिंदगी से खेलेगा तू? कार्तिक क्यों मार रहे हैं इसे? प्रिया आप जो सोच रहे हैं वो ये नहीं है, कार्तिक एक अच्छा इंसान है। कार्तिक तुम जैसी कितनी लड़कियों ने इस पर विश्वास किया और इसने धोखा दिया। सुना नहीं आपने? कार्तिक ऐसा इंसान नहीं है, क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? प्लीज आप जाइए। अब ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, जैसे तुम्हें प्यार करता हूं दो और लड़कियों को भी किया था। उनमें से एक इनकी बहन है ज्योति, यही सच है। प्रिया मैं तुम्हें बताने वाला था प्रिया कि उससे पहले प्रिया मेरी बात सुनो। प्रिया 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 प्यार क्या होता है ये मैं जान चुका हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, सच कह रहा हूँ प्रिया। प्रिया विश्वास करो प्रिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्यार की कीमत जान चुका हूँ मैं। प्लीज प्रिया मेरा यकीन करो, प्रिया मुझे छोड़ के मत जाओ। प्यार क्या होता है ये तुम नहीं समझ सकते कार्तिक, तुम्हारे लिए तो एक नहीं तो दूसरे से ही। प्रिया 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 मेरी बात तो सुनो प्रिया प्रिया। प्रिया अब तो किसी भी लड़की की जिंदगी से खेल नहीं पाएगा। शाम को आप उसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं। ओके थैंक यू डॉक्टर। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसके सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है। सो इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी।
तुम दोनों को कितना दुख पहुंचा है ये मैं समझ सकता हूं। सॉरी तेजू, मुझे माफ कर देना ज्योति। आंटी, आज मैं समझी हूं कि सच्चा प्यार क्या होता है। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। गुनहगार मैं हूं आंटी। मुझे लड़कों से सख्त नफरत थी, लेकिन कार्तिक से मिलने के बाद मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार। हम दोनों उसके गुनहगार हैं, सबके जिम्मेदार हम हैं, मैं और ज्योति। वो प्रिया का ही प्यार है। हम प्रिया से बात करेंगे, वो जरूर मान जाएगी। पैसे से प्यार होता तो तुम तेजू को नहीं ठुकराते, तुम्हें गुंडों से डर होता तो ज्योति को अपना लेते, लेकिन तुम मुझसे ही सच्चा प्यार करते हो, इसलिए तुमने मुझे चुना। तुम्हारा ये हाल उन दोनों ने किया है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कार्तिक, तुम भी ज्योति और तेजू को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दोगे। तुमने जो भी गलती की उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। अब एक नए सिरे से हम दोनों जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हें पता है कार्तिक, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारी प्रिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिंदगी में मैंने बहुत फ्रॉड किए हैं यार, लेकिन एक और फ्रॉड करने में कोई बुराई थोड़ी है। थोड़ी सी चोट लगी है पर थोड़े दिनों में जख्म भर जाएगा। अब मैं प्रिया के साथ सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसे पाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे प्रिया ने कहा, मैं एक अच्छा इंसान बनके दिखाऊंगा। Excuse me. Hi, I'm Dr. Ramya. हेलो। अब दर्द कैसा है? पहले से बहुत कम। डोंट वरी, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना, रिलैक्स। लड़की है यार। एक बात कह देता हूं, मैं प्रिया के सिवाय जिंदगी में किसी भी लड़की को नहीं देखूंगा। यकीन करो ना यार।